अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, थैंक यू। आप लोग इधर मौजूद हैं अभी जो लोग हैं और जो लोग बाद में इसको सुनेंगे। तो आज की जो हम लोगों की टॉक है, डिस्कशन, अगर तकरीबन 1.5 घंटे चलेगा अप्रॉक्सीमेटली। इसमें जब आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप बिल्कुल इसमें तकल्लुफ नहीं करिएगा। आप या तो हाथ उठा लीजिएगा या फिर चैट में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं रुक कर आपके सवाल को सुनकर फिर उसके आगे आगे चलेंगे। और वैसे भी मैं अपनी गुफ्तगू में हर कुछ मिनटों के बाद स्टॉप करूंगा और आप पॉज कर कर आप लोगों से पूछूंगा, अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज जो है, मैं क्योंकि बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि आज ही जो वो एक मैं बड़े इंतजार कर रहा था टॉपिक, एक ऐसे खत्म करती हूँ मैं और उसे लिख कर छपवा लूँ, तो वो इत्तेफाक से आज ही छप कर आया है। मैंने आप लोगों को उसका लिंक भी भेजा हुआ है, तो उसको उसको देखते हैं जरा आज हम लोग, और उससे डिस्कस करते हैं जो हम बाकी जो पेडागोजी की बातें कर रहे हैं और बाकी जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलरली इस ऐसे के हिसाब से। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे पहले, तो आप लोग मेरा स्क्रीन दे सकते हैं? यस ठीक है। तो ये जो आर्टिकल आज आप लोगों को शाये हुआ, आप लोगों को मैंने भेजा है, शायद आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा हो। तो पहले तो मैं सबसे पहले बात ही करता हूँ कि देखिए, इस ये आर्टिकल बड़े मैंने अजीब तरीके से लिखा है। ना ये एकेडेमिक है, ना ये लिटरेरी है, ना कोई इसका ऐसा कोई क्लियर स्टाइल है, और ये मैं जानबूझ से किया है। प्लस इसके अंदर आप ये देखिए, इसके अंदर मैंने आर्ट वर्क को भी इस्तेमाल किया है। ऑब्वियसली मैं खुद आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैंने अपनी बेटी से को समझाया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसके उससे बड़ी गुफ्तगू की, और जब वो मेरी बात समझ गई कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है बोली का और ये मैं क्या कह रहा हूँ अनमेकिंग और पैनेटाइज के बारे में, तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए इसके लिए ग्राफिक्स बनाओ। तो ये नोट कीजिए, ये तीसरा ग्राफिक जो है इस पे जरा गौर करते हैं पहले हम। तो ऑब्वियसली ये ग्राफिक जो है, आप देख रहे हैं कि एक ये खूबसूरत दुनिया है बड़ी, और इस खूबसूरत दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रंग हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, सब साथ रह रहे हैं। मगर ये देखिए इधर, ये अभी तक यहाँ पे साथ मामला सही नहीं हुआ है ना, कि अभी भी चीजें खराब हैं। तो ये तुम्हें एक समझिए कि किरण ने एक विजुलाइज किया है कि अगर हम लोग अपनी एजुकेशन को डीकोलोनाइज कर लें और हम अपने आप को असल में इंडिपेंडेंट कर लें कॉलोनाइजर से, मुख्तलिफ जो भी हमारे कॉलोनाइजर्स हैं और रहे हैं, और ये नोट करिए हमारे कॉलोनाइजर्स ही नहीं कि बाहर वाले हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी हैं, क्योंकि ये कॉलोनाइजेशन है वो वाला नहीं रहा कि गोरे डायरेक्टली हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, वो बेसिकली प्रॉक्सी से करते हैं। तो वो प्रॉक्सीज की जो उसकी वजह से मल्टीपल लेयर्स हैं ऑपरेशन की, जो हमारे लोग जो है रोजाना सहते हैं, और ऑब्वियसली इसको जब हमको रिजेक्ट करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए हमको अपने एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। और बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये इस रिफॉर्मेशन की तरफ हमको सोचने के लिए लेके जा रहा है, किस तरह हम सोच सकते हैं इस रिफॉर्मेशन को। तो ये आप इसका इमेज देख रहे हैं ना, तो ये तीसरा इमेज है। जब दुनिया बेहतर होने लगेगी तो उम्मीद है कि हमारे मुल्क ऐसे लगे, अभी ऐसे मुल्क नहीं है हमारे, है ना। मैं बांग्लादेश भी होकर आया हूँ, पाकिस्तान तो मेरा अपना ही मुल्क है, हमें पता है, हमको छुपाने की बात हमारे पास नहीं है कि हमारे मुल्क में कितना गंद कपाड़ है, कूड़ा है, खूबसूरत से खूबसूरत वादियां जहाँ से फजल हादी साहब में रहते हैं वहां पे भी कूड़ा कचरा जमा है, पानी के अंदर लोग तेजाब फेंकते हैं, मछलियां मर चुकी हैं। तो ये जो है हमारी एक रियलिटी है जिसमें हम रहते हैं। तो जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये आज की रियलिटी नहीं है, ये एक आपको लोगों को मैं ड्रीम कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि एक बच्ची क्या कैसे रहती है, कि हमारा मुल्क कैसा हो सकता है, वो कैसे होगा जब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें, और उसके अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए हमको अपनी एजुकेशन को, और अपनी एजुकेशन के थ्रू जिस तरह की हम सोचें अपने बच्चों में डालते हैं, जिस तरह की सोचें वो लेकर बढ़ते हैं, वो अगर हम उनको इन्फ्लुएंस करें तो उससे हमारी सोसाइटीज बेहतर हो सकती हैं। तो ये एक मकसद है। अब इसको स्टडी करने के लिए बेसिकली हम मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं। तो एक मैं पहले फ्रेमवर्क दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा वापस जाएंगे। ये मैं आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने शेयर किया हुआ है, डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट जगहों पे मैंने ये बात करता रहा हूँ कि देखिए हम लोगों की जो दुनिया है उसको हम देखते हैं, हमको हम जो मटीरियल, हम लोग क्या है, हम इंसान है ना, इंसान की अंडरस्टैंडिंग जो है दुनिया के बारे में,
वो एक सोच है ना, कोई जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो दुनिया के बारे में है वो कोई वो फैक्चुअल मटेरियल रियलिटी नहीं है। उसकी मैं ये कैसे कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरी सोच और आपकी ये सोच मुख्तलिफ है। अगर हमारी अगर मटेरियल सोच एक ही होती तो वो मुख्तलिफ नहीं होती। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में सेलफोन ये है, अगर ये आपके हाथ के अंदर सेलफोन हो या मेरे हाथ के अंदर हो, ये सेलफोन तो नहीं बदलेगा ना। क्यों? क्योंकि ये एक मटेरियल चीज है। मटेरियल चीज इतने आराम से ट्रांसफॉर्म नहीं होती। हो सकती है, हम चेंज कर सकते हैं, मगर ऐसे खुद इससे नहीं आराम से हो जाती। ये अपनी कि मेरी सोच अलग है तो ये अलग है और आपकी सोच अलग है तो ये अलग है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो उस पर रन कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको एनर्जी क्रिएट डालना पड़ेगी। तो ये देखिए मटीरियल रियलिटी है, मटीरियल फैक्ट है, मगर सोच इस तरह नहीं होती है। सोच आपकी अलग है, मेरी अलग है। एक ही चीज को हम देखते हैं, दूसरे दो जावियों उससे देखते हैं। एक ही चीज को हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, उसके दो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन होते हैं, चार मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। वो क्यों? क्योंकि सोच जो है वो मटीरियल नहीं है। तो जो चीज भी मटीरियल नहीं है उसको हम एक कैटेगरी में डालते हैं नॉन मटीरियल की। ठीक है, इस पे हम वापस आके बात करेंगे। तो दूसरी जो कैटेगरी है वो है मटीरियल की। मटीरियल चीजें वो हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखिए, ये मैं कागज का टुकड़ा लेता हूँ, यहाँ पे ये एक मैंने कागज का टुकड़ा लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैं कागज के टुकड़े को दो हिस्से कर सकता हूँ, तो आप बताइए कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ इसके मैं बिल्कुल दो इक्वल हिस्से करूंगा, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यू कैन कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि ये लीजिए एक आइडिया, अब इस आइडिया के दो हिस्से कीजिए, नहीं कर सकते ना? देखिए ये फर्क है मटेरियल और नॉन मटेरियल में। इस चीज को आप आधा नहीं कर सकते हैं मटेरियली, वो चीज मटेरियल नहीं है, वो सोच है। ठीक है, अब ये जो है ना, अगर आप समझिए इसको और इसको ले समझ को लेकर आगे बढ़ना शुरू करें, तो फिर हमारे पास अपनी सोच बनाने के लिए कुछ होगा। क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मटीरियलिटी के ऊपर है, किसी की अंडरस्टैंडिंग और किसी की इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। आप लोग ये नोट कर रहे होंगे, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं रेफरेंसेस नहीं डालता था, मैं रेफरेंसेस नहीं डालता, क्योंकि रेफरेंसेस जो हैं वो तो मैं, मतलब ये कि मैं अपनी थ्योरी बिल्ड करने के लिए किसी और की थ्योरी के ऊपर बात करूं। अगर मैं किसी और की थ्योरी में बात करूं और उसकी बात करूं उसकी बात करूं, तो मैं अपनी क्या बात करूं? एक तो ये मसला उसमें ये कि फिर अगर मैंने उसकी किसी बात में कुछ खींचा तो किसी और, मैंने किसी और की थ्योरी में कुछ खींचा और मैंने इसमें कोई बुराई की, तो कोई और मेरी थ्योरी की भी बुराई करेगा। इसी तरह ये तो हम लोग इस तरह के गेम्स खेलते रहेंगे। तो मेरा मकसद ये है कि अगर हमको समझना है चीजों को, तो हम इस थियोरेटिकल गेम्स में नहीं पड़े कि कौन से किसने क्या कहा, कौन सा रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है, किस फिलोसोफर की क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया हमने, हम उससे कोई हमारे उससे कोई झगड़ा नहीं है, कोई उससे डिसएग्रीमेंट नहीं है, बहुत अच्छा है हमको, मगर अपना काम करना। और हमारा काम क्या है कि हमारे इसको सीखें कि हमको अपनी नॉलेज क्रिएट करना है किसी बायस के से इंडिपेंडेंट होके, कोई भी बायस से बाहर होके। तो मैं आप लोगों को ये बेसिकली सिखाना चाहता हूँ कि हम लोग इस तरह कैसे सोच सकते हैं और इस तरह कैसे काम करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा इसकी, मगर अभी हम लोग जरा थोड़ी सी देर और मटेरियल पे बात करते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड को से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास, इंसानों के पास पांच सेंसेस होते हैं। ठीक है, साइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट। मैंने आपको ये एक ऑर्डर भी बता दिया। देखिए हम अप्रोक्सीमेटी, यानी कि वो हम कितनी दूर की चीज हम देख सकते हैं, मगर बहुत दूर की चीज को हम चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। ठीक है, तो प्रोक्सीमिटी से मुराद ये कि चीज कितनी करीब है, कितनी दूर है। तो देखिए ये कि साइट और साउंड, यानी कि देखना और सुनना, सबसे दूर की चीजों के लिए होता है, और जो चीजें दूर होती हैं उनको सूंघना, छूना और चखना मुश्किल होता है और बहुत अक्सर तो मुमकिन ही नहीं होता है। तो अब इसमें आप ये देखिए कि सेंसेस जो है इनको दो ग्रुप्स में कर सकते हैं आप। ग्रुप ए साइट और साउंड, जो कि दूर के हैं, और ग्रुप बी स्मेल और टच और टेस्ट, जो कि करीब के हैं। इन दोनों ग्रुप्स को हमको याद रखना होगा। अभी इसके डिस्कशन में बात बात आएंगे, क्योंकि देखिए जो चीज दूर होती है ना उसको हम फिजिकली वेरीफाई भी नहीं कर सकते आराम से,
क्योंकि आप उसे छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई कहे कि भाई बराबर वाले कमरे में आग लगी हुई, अगर उसमें आग लगी हुई होती कमरे में, तो आपको पहले से पता होता, क्योंकि आपका कमरा गर्म हो रहा होता, आपको बू आ रही होती है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आपको खुद ही पता चलता है आग लगी, आप भाग चुके होते। तो ये देखिए कि अगर आपकी इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में आपके सेंसेशंस आपको कुछ चीजें बताते हैं, तो उनसे हम फौरन उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये एक मटीरियल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि हम मटीरियली एग्जिस्ट करते हैं जगह। मगर अगर आप कुछ कुछ चीजें सिर्फ सुनाई में हैं या सिर्फ दिखाई में हैं, और दिखाई के अंदर भी अगर वो लिखाई के अंदर है, तो लिखाई जो है वो दिखाई का एक एक डिफरेंट एस्पेक्ट है पूरा। इसमें आप इसको आप देखिए, तो दिखाई के अंदर दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि दिखाई से वो आपको चीजें डायरेक्टली वो नजर आ रही हैं कि जो के हैं, यानी कि आपको नजर आ रहा है कि मैं आप कमरे में एक बैठा हुआ हूँ, एक बोल रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है फिजिकली, और मैं सुन नजर आ रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको, ठीक है। मगर ये भी आपके लिए मटीरियल नहीं है, क्योंकि आप इसे टच नहीं कर सकते, आप इसे फील नहीं कर सकते। मगर आपके कमरे में जो आपके सामने किताब रखी है, या कोई कुछ रखा हुआ है, पानी रखा है, जैसे मैंने अपना गिलास पानी का उठाया, तो ये पानी का गिलास उठा के मैं पीऊंगा, ये एक मटीरियल एक्शन है जो मैंने अभी एक टाइम के अंदर किया, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हैं, बाकी सारी चीजें जो हैं, वो इस वक्त आपके जहन में, बाकी सारी चीजें बाहर की हैं। तो मटीरियली आपको जो चीजें नजर आ रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो तो एक लेवल है, और फिर उसके बाद नजर से हमको एक और भी लेवल आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पीस ऑफ आर्ट देखें, आर्ट वर्क देखें, तो आर्ट वर्क जब आप देखते हैं, तो आर्ट वर्क जो आपको नजर आ रहा है वो तो एक है, मगर उसके इंटरप्रिटेशंस मुख्तलिफ हो रहे होते हैं। या फिर एक चीज लिखी भी आप पढ़ें, तो लिखी भी जो चीज आप पढ़ते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है, जो आप पढ़ के उसको सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ के समझते हैं, उससे आपके जो इमेजेस बनते हैं, वो आपको चुनाव लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारी पढ़ाई से, पढ़ने से हमारी डिस्टेंस और बढ़ जाता है। तो साइट ऑब्वियसली पहले ही दूर है, मगर साइट के कुछ तरीके, जैसे कि लिखा लिखना पढ़ना, या फिर आर्ट वर्क, इस तरह की चीजें हमको एक और लेवल ऑफ डिस्टेंस पे ले जाती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल इस मौजूद में है ही नहीं। क्योंकि जो आप चीज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पढ़ा, तो वो चीज उस चीज पढ़ी जो आपको बता रही है, वो मौजूद में तो नहीं है ना, वो तो एक चीज पढ़ी भी है। तो अगेन, मटीरियल और नॉन मटीरियल, पेपर मटीरियल है, इंक मटीरियल है, ठीक है, मगर इनकी जो शेप्स की मीनिंग्स हैं, वो नॉन मटीरियल है। तो अगर ये, अगर आप इसको पी कहते हैं, तो ये जो सिंबल पी का है, जो मैंने हाईलाइट किया अभी, जिसे हम पी कहते हैं, पी, ठीक है, बाइलेबियल स्टॉप, ऑब्वियसली मेरा गला भी खराब है थोड़ा सा, तो अगर ये बाइलेबियल स्टॉप जो है, वॉइसलेस, इसको हम अगर इससे लिखते हैं, तो ये हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोगों ने खुद मिलकर बनाया है, ठीक है। अब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमको कोई मीनिंग्स देता है, यानी कि हम प्रॉक्सिमिटी को एक वर्ड समझते हैं और उसके मीनिंग ले लेते हैं। अब जो प्रॉक्सिमिटी का मतलब है, वो प्रॉक्सिमिटी का मतलब तो फिजिकल नहीं है ना, मटीरियल नहीं है, वो तो आपकी सोच में, वो नॉन मटीरियल है। तो देखिए, कंटिन्यूसली हमारी एग्जिस्टेंस जो है, वो मटीरियल और नॉन मटीरियल के जंक्शन पर रहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी एग्जिस्टेंस मटीरियल और नॉन मटीरियल के जंक्शन पर रहती है। अब देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम क्या होता है, वॉट इज टाइम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वॉट इज टाइम, टाइम क्या होता है, वक्त क्या होता है? वक्त सर यूनिट है जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ है अपनी लाइफ को, टू मेक इट मीनिंगफुल एंड टू अंडरस्टैंड। एब्सोल्युटली ठीक है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइमिंग, वन इज साइकोलॉजिकल, अनदर वन इज मेजरेबल। जी, साइकोलॉजिकल इज अ टेंपोरल टाइम। जी हां, दिस इज जी डेफिनेटली। तो उसको अगर आप देखें, तो देखिए टाइम जो है ना, अगर आप देख, जैसे कहा आपने कि हमारे कंस्ट्रक्ट है सोशल, जिसके थ्रू हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये आपने बड़ा अच्छा सोचा। देखिए, तो ये जो है, ये सोच हुई ना, फिर टाइम जो है, जिस तरह हम इस टाइम को इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर,
जिसके थ्रू हम एक नोशन, एक हमारे पास कंटिन्यूएशन का एक नोशन होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक एक टेम्पोररी जो आप कह रहे थे, टेम्पोररिटी जो इसकी बात आप कर रहे थे, एक मूवमेंट पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, ठीक है। अगर इसको हम टाइम यह देखते हैं, मगर ये टाइम जो है जिस तरह हम देख रहे हैं, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, क्योंकि हमने इसको पर्टिकुलर डिविजन दिए हैं उसके थ्रू। अब जब हमने इसको इस पे बात पे हमने फॉर एग्जाम्पल यकीन कर लिया कि पास्ट एक मटीरियल, पास्ट एक सच था और फ्यूचर एक है, सच्चा है, और इसमें अंदर रिलेशनशिप एक लीनियर रिलेशनशिप है जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को ज्वाइन करती है इसी सीक्वेंस में, तो उस अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट करने के बाद हमने बहुत सारी चीजों को और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मगर अगर हम इसको एक मिनट हटके देखें तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम मटेरियल और नॉन मटेरियल में फर्क डालना चाहते हैं तो मटेरियल टाइम क्या होता है, मटेरियल टाइम सिर्फ प्रेजेंट है क्योंकि आप प्रेजेंट में एक्शन ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैंने ग्लास उठा के ग्लास में से पानी पी रहा हूं, ये लीजिए मैंने पिया, ये एक मैंने मटेरियल एक्शन किया इस टाइम के अंदर, अभी आप लोगों ने सबने देखा, जिसने देखा। अब ये कि वो एक एक्शन पास्ट में हो गया। अब मैं अगर चाहूं कि मैं को पानी नहीं पीता तो मैं क्या बदल सकता हूं, नहीं है ना। और अगर मैं कहूं कि मुझे अगली 5 मिनट में पानी नहीं पीना और मैं पी लूं तो फ्यूचर भी फिक्स नहीं है, तो ना आप पास्ट में जाके कुछ कर सकते हैं ना आप फ्यूचर में जाके कुछ कर सकते हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं प्रेजेंट में। तो दोनों पास्ट और फ्यूचर इंसान की सोच के लिहाज से एक ही है, नॉन मटीरियल। इंसान की एग्जिस्टेंस में टाइम सिर्फ प्रेजेंट है और दो पास्ट और फ्यूचर दोनों नॉन मटीरियल है। अगर आपने इसको समझने की कोशिश की, अब ये देखिए हम लोग लैंग्वेज से बाहर चले गए, हम सोशल सिमियोटिक्स पे बात कर रहे हैं ना, हम बाहर लैंग्वेज हमको लिमिट कर देती है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि देखिए हमें टाइम पे देखें टाइम क्या चीज है, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो जब हम ये देखते हैं कि ना पास्ट है ना फ्यूचर है, तो अब ये पता चलता है कि अगर जो चीजें जो इस वक्त मौजूद नहीं है, जो आप मटेरियल सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते, फिर जगह रखते, यानी कि वो मटेरियल नहीं है, पास्ट और फ्यूचर दोनों मटेरियल नहीं है, मगर पास्ट और फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग्स हमारी जिंदगी को गाइड करती है। आप नोट कर रहे हैं, हमारी जिंदगी मटेरियल इस वक्त है, मगर हमारी जिंदगी किस तरह चल रही है और हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, वो दो सारी चीजें नॉन मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। ऑब्वियसली जहां पे हम हैं वो तो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट बात होती है, आप दरिया के पास हैं कि जंगल में हैं, तो ऑब्वियसली मटेरियलिटी पे बेस्ड होती है, मगर आपकी जो सोच है वो नॉन मटेरियल होती है हर बारे में। अब आप उसकी देखिए जी, सॉरी बिल्कुल, If you allow me, sir, I'm fine. Fine. Sir. जी sir, if you allow me, जी sir, जी. उसकी शायद वजह यह है कि वो इतना नॉन मटेरियल पे एग्जिस्ट, हमारी डिपेंडेंसी इसलिए है कि हमारा वक्त इतना फ्लीटिंग है, वो इतनी जल्दी हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर की तरफ निकल रहा है कि हम नॉन, इस शायद ये वजह है कि हम मटीरियल से नॉन मटीरियल, शायद जो आप बात कह रहे हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो शायद फ्लीटिंग है वक्त, तो मटेरियल टाइम बहुत मुख्तलिफ चीज है, वो फिर फिजिसिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हम फिजिसिस्ट के पास जाके समझते हैं कि मटेरियल टाइम क्या है, फिर वो बताएंगे स्पेस कर्व, स्पेस टाइम कर्व की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की बात करेंगे, मुख्तलिफ चीजों की बातें करेंगे, जहां पे वो नोट करिए जो है साइंटिस्ट जो है फिजिसिस्ट जो है जब वो बात करेगा तो वो प्रूफ कैसे देगा आपको, वो आपको प्रूफ करेगा मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स के थ्रू ना। अब ये अक्सर लोग मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में कि मैथ्स जो है वो एक लैंग्वेज है, मैथ्स लैंग्वेज नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि लैंग्वेज डायनेमिक सिस्टम होता है, मतलब लैंग्वेज बदलती रहती है टोटली, हमारी बोली बदलती रहती है, आज एक बोली है कल बदल जाएगी। आज मैं इसको कहूं कहते ये कहते हैं ग्लास है, कल इसे कहूं मग है, फिर कहूं कप है, मेरी मर्जी जो कहूं बदल दूंगा, मैं इसे मग कहता हूं आप इसे कप कहिए, फर्क क्या पड़ता है ना। तो देखिए ये नॉन मटेरियल है, मगर मटेरियलिटी के अंदर तो बात डिफरेंट हो जाती है। अब मटेरियलिटी के अंदर चीज फिक्स्ड हो जाती है, मैथमेटिक्स फिक्स्ड है,
मैथमेटिकल लैंग्वेज फ्लूइड नहीं है, डायनेमिक नहीं है. मैथमेटिक्स के अंदर वन हमेशा वन रहेगा. ये मग है या कप है, इस पे तो हम लोग बहस कर सकते हैं, मगर आपको कितने नजर आ रहे हैं? हर कोई ये कहेगा एक, कोई नहीं कहेगा दो. ठीक है, क्योंकि ये मटीरियलिटी है, एक, क्योंकि ये एक है, ये मटीरियल है. ठीक है, तो ये जो है इसको हम फिजिक्स में, इसको मैथमेटिक, इसलिए फिजिक्स में जो थ्योरीज होती हैं, जो वो लोग उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है वो स्टैटिक सिस्टम है, और स्टैटिक सिस्टम के अंदर रिलेशनशिप्स स्टैटिक होती हैं. ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली रिकर्शंस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके लिए वो उनके पास मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, वो मैथमेटिशियंस करते हैं, फिजिसिस्ट करते हैं. मगर ये नोट कीजिए, जो चीजें मैथमेटिक्स और फिजिक्स और साइंसेस में चलती हैं, वो सोशल साइंसेस में नहीं चलती, वो नॉन मटीरियल वर्ल्ड में नहीं चलेंगी. सोशल साइंसेस की अच्छा वर्ड नहीं है इसको, मैं चाहता हूँ मटीरियल और नॉन मटीरियल, वो नॉन मटीरियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं चलती. तो फॉर एग्जाम्पल, आइडिया को आप हाफ नहीं कर सकते, आइडिया को आप देख नहीं सकते, ठीक है, आइडिया को आप छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, मगर आइडिया को आप जब एक आइडियाज के ऊपर बेस करके कुछ बना लें तो वो कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा आइडिया है कि मैं जाके चाय बनाऊं, और मैं उठ के जाके चाय बनाऊं, तो ऑब्वियसली चाय आपको नजर भी आएगी, उसे सूंघेगी भी आपको, चाय की पत्ती जो पानी उबलेगा उसकी आवाज भी आएगी, उसकी गर्मी भी महसूस करेंगे, मजा भी आएगा, जो उसकी मटीरियलिटी हो गई. आपने आइडिया को नॉन मटीरियल को मटीरियल में कन्वर्ट कर दिया. तो ये मटेरियल और नॉन मटेरियल के जंक्शन पे हमारी ह्यूमन लाइफ एक्जिस्टेंस एक्सिस्ट करती है. इसलिए जो आप कह रहे हैं फ्लीटिंग कन्वर्शन, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ मटेरियली फ्लीट शिफ्ट हो रही होती है. मगर अगर सोशियो सिमियोटिक्स जो नॉन मटेरियल, वो अलग चीज है. तो आप ये देखिए कि मटेरियल के अंदर तो हम मैथ्स के थ्रू चीजें प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैथ एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्टैटिक सिस्टम है. मगर जो भी चीज नॉन मटेरियल है वो उस तरह नहीं चलती, वो मैथ्स पे नहीं चलती. तो अब ये तो एक बड़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में हमारे मेजर एजुकेटर्स और एजुकेटर रिफॉर्मर्स जो हैं वो साइंस वाले रहे. चाहे आप वो डॉक्टर अताउर रहमान को देख लीजिए या डॉक्टर परवेज रूद भाई को देख लीजिए, एक केमिस्ट है एक फिजिसिस्ट है. मैं दोनों की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे उन्होंने काम किए. मगर ये देखिए एक साथ, मगर वो जब भी एजुकेशन के बारे में कुछ बात करेंगे उनकी बात गलत होती है, क्योंकि वो साइंस की जो तरह से देखते हैं ना, वो मटेरियली देखते हैं, वो मैथमेटिकली देखते हैं, वो चीजों को फिक्स देखते हैं, वो स्टैटिक देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, उसे वो मैथमेटिकली समझना चाहते हैं. मगर नॉन मटेरियल चीजें तो मैथमेटिकली काम नहीं करती. तो आप जब एक साइंस के सिस्टम जो मटेरियल का सिस्टम है उसको नॉन मटेरियल पर अप्लाई करेंगे, तो आपके ख्याल से क्या आपको जवाब मिलेगा? अच्छा तो नहीं मिलेगा. अब इसको एक और तरह से देखते हैं कि हमारे यहाँ देखिए मुल्कों के अंदर एजुकेशन निजाम सब बेकार है. जिस भी हमारे साउथ एशिया का मुल्क, कोई अच्छा लाता नहीं है. हम लोग फालतू की आपस में फकर करते हैं कि हमारा उससे अच्छा है, कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं. ठीक है, जब हम सब एक जैसे हैं तो हमको एक जैसे देखना है कि हमको सबको इकट्ठा बेहतर होना है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमको सबको इकट्ठा बेहतर होना है. इसमें कोई हमारे डिविजन्स नहीं है, क्योंकि देखिए डिविजन्स जो है ना वो मटीरियल नहीं है. ये देखिए आप नोट कीजिए, डिविजन्स नॉन मटीरियल है. लैंग्वेज भी मटेरियल नहीं है, लैंग्वेज नॉन मटेरियल है. आपको जो सुनाई दे रहा है फिजिकल साउंड वेव्स, वो फिजिकलिटी साउंड वेव्स की जो है वो सिर्फ साउंड वेव्स हैं. उनको पहचानना, उनके मायने देना सिर्फ वो आप दे सकते हैं, अगर आपको पता है कि मेरी साउंड क्या है. देखिए अगर ये सेशन बोली का है तो अंग्रेजी बोलने वाले नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगी. क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि मेरी सब साउंड की सीक्वेंसेस हैं वो उनसे मुश्तरका नहीं है, सिमिलर नहीं है, शेयर्ड नहीं है. क्योंकि हमारी शेयर्ड नहीं है तो उनको समझ में नहीं आएगी मेरी बात. आपको आ जाएगी बोली जो बोलने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगी. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज मटीरियल नहीं है, लैंग्वेज नॉन मटीरियल है. अब जो चीज भी नॉन मटीरियल होती है ना उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है बहुत आराम से. क्योंकि जब जब चीज मटेरियल नहीं है वो सिर्फ सोच में है, तो सोचों को बदलना और सोचों को बहकाना और सोचों को गलत तरीकों पे लेके जाना आसान होता है रिलेटिवली. क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ फसाद डालना है. एक दफा आपने फसाद डाल दिया तो फसाद खुद ही अपना काम दिखाता चला जाएगा. और फसाद क्या? फूट, डिविजन्स. अब ये डिविजन्स क्या है?
और डिविजन देखिए किस तरह हमारी साइंसेस को और हमारी सोशल साइंसेस को, यानी कि बोथ हमारी मटेरियल और नॉन मटेरियल अंडरस्टैंडिंग्स को किस तरह बर्बाद करते हैं। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे, देखिए साइंसेस तो बहुत तरक्की होती है, एक नहीं होती। साउथ एशिया में जो हमारा बर सगीर है, साउथ एशिया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान को भी आप शामिल कर लिए, बर्मा को भी शामिल कर लिए, ठीक है, फ्लूइड रखी इनकी बाउंड्रीज। देखो कि एक मैसेज आ रहा है, मैं जरा देखता हूँ, प्लीज। हाँ, आप लोग माइक म्यूट कर ले, मैं बल्कि कर देता हूँ आप लोगों की तरफ से। मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी अपना माइक म्यूट कर लिए, बहुत सही कह रहे हैं। तो सॉरी, मैं आप लोग मैं कहा था, मेरी ध्यान से निकल गई बात। सर आप कह रहे थे कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसके हवाले से। देखिए यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर उन्होंने सब में डिविजन डाले हुए, कैसे कैसे डिविजन डाले हुए, रिलीजन पे डिविजन डाला हुआ है, लैंग्वेज पे डिविजन डाला हुआ है, ठीक है, सेक्टेरियनिज्म पे डिविजन डाले हुए, ठीक है, आपकी एथनिसिटीज पे डिविजन डाले हुए। अब ये सारे नोट करिए, सारे टर्म्स, लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी, ठीक है, ट्राइब, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, यानी कि हिंदू, जिसे हम कहते हैं हिंदुइज्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, ये एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, रिलीजन एक कैटेगरी है। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि वो उर्दू या इंग्लिश या हिंदी या गुजराती या बंगाली, ये नहीं है, लैंग्वेज एक कैटेगरी, लैंग्वेज एक कैटेगरी है। तो जब एक कैटेगरी होती है ना, तो कैटेगरी, ये तो पहले देखें कैटेगरी इमर्ज कैसे होती है, क्योंकि अगर आप कैटेगरीज को देखें तो कैटेगरीज इमर्ज कैसे होती है, पहले तो ये हम समझना पड़ता है। तो ये रिलीजन की कैटेगरी कहां से आई, ये लैंग्वेज की कैटेगरी कहां से आई, क्योंकि देखो ये नोट किया, हम लोगों को अपनी बोली के अंदर ये वर्ड्स को बोरो करना पड़ता है। हम कहते हैं रिलीजियस लीडर, ठीक है, हम कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं लैंग्वेज, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग टर्म्स बोरो करते हैं, कॉन्सेप्ट्स, ये हम क्लासिफिकेशन जो है, ये जो कैटेगरीज हैं इनको हम बोरो करते हैं। ये कैटेगरीज कहाँ क्यों बोरो करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कैटेगरीज नहीं है। हमारे पास ये कैटेगरीज क्यों नहीं है, ये हमारे पास कैटेगरीज इसलिए नहीं है कि हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जबान जो है वो आपकी जरूरत के लिहाज से डेवलप होती है, ठीक है, जबान आपकी ऐसे डेवलप हो, बोली आपकी डेवलप इस तरह होती है, आप जहां पे हैं, आपको जो बोली से काम लेना है, जो चीजें आपको बात करना है, जिसके बारे में बताना है, जिसके बारे में समझना है, वो चीजें आपकी बोली के अंदर होंगी। तो हमारे यहाँ उसमें इस तरह रिलीजन और लैंग्वेज वगैरह की चीजों की कैटेगरी से जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि हम एक ही इलाके में रहते थे, जिंदगी भर पूरी उतरी गुजर जाती थी, हम एक दूसरे को जानते थे, हमें पता था वो इस तरह करता है, वो इस तरह करता है, अच्छी बात है, सब मुख्तलिफ हैं थोड़े थोड़े, जिसको हम कहते हैं सबके मजाहब हैं, जिससे अंग्रेजी में अगर आप ट्रांसलेशन देना चाहें तो कल्चर है, मजहब का मल्चर मतलब कल्चर होता है, रिलीजन नहीं होता, रिलीजन एक कैटेगरी है जो कि गोरों ने, यूरोपियंस ने डेवलप की, क्योंकि क्योंकि वो लोग कॉलोनाइजेशन के मिशन में निकले हुए थे, वो अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों पे गए, एक इलाके पे गए, फिर दूसरे इलाके में गए, फिर तीसरे इलाके में गए, हम तो एक ही जगह रहते थे ना, अब हमें नहीं पता था बाकी चीजों की क्या होती, क्या जरूरत थी, मगर जो आदमी मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा है तो उसको मुख्तलिफ बोली में नजर सुनाई में दे रही है, उसे मुख्तलिफ त्यौहार भी नजर आ रहे हैं, उसे मुख्तलिफ अकीदे भी नजर आ रहे हैं, तो फिर उसको एक कैटेगरी बनाना पड़ी रिलीजन की, उसको एक कैटेगरी बनाना पड़ी लैंग्वेज की, ठीक है, ये कैटेगरीज उनको डिवेलप इसलिए करना पड़ी क्योंकि उनकी वो जरूरत थी, हमारी वो कभी जरूरत नहीं थी, इसलिए हमारी बोली के अंदर वो कैटेगरीज एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास लैंग्वेज के लिए कोई वर्ड नहीं है, बोली लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि बोली जो है वो सिर्फ साउंड पे काम करती है, ठीक है, लैंग्वेज साइट और साउंड पे काम करती है, क्योंकि उसकी लिखाई भी होती है। अब ये देखिए, हमारी सिर्फ बोली होती थी, अंग्रेजों ने हमको आगे लैंग्वेज दे दी, मतलब यानी कि हमारी बोली के साथ साथ उन्होंने हमको लिखने के तरीके दिखाए।
अब लिखने के तरीके जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं एक विजुअली किसी तरह बयान करूं, ये लिखने का तरीका हुआ ना, एक बेसिक डेफिनेशन राइटिंग सिस्टम की ये हुई कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, मैं उसको विजुअली किस तरह बयान करूं विजुअल सेटिंग सिस्टम में, ताकि आप उसे देख सके। तो जब मैं, मेरा मकसद ये हो कि आप विजुअली मेरे मायने को लें, तो अब मैं ये विजुअल सिस्टम को मुख्तलिफ तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। अभी आप ही नोट कीजिए, राइटिंग सिस्टम एक तरह के नहीं होते, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक मेजर डिवीजन राइटिंग सिस्टम्स का यह है कि राइटिंग सिस्टम साउंड के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि नहीं है। अब देखिए, उर्दू और हिंदी जिनको हम जबाने कहते हैं, बोली एक ही है ना, क्योंकि मैं अभी जो बोली बोल रहा हूं वो हिंदी बोलने वाले भी समझते हैं, उर्दू बोलने वाले भी समझते हैं, पंजाबी वाले भी समझ जाते हैं, बंगाली वाले भी समझ, बांग्लादेशी वाले भी समझ जाते हैं, डिफरेंट लोगों को समझ जाते हैं बोली एक, क्योंकि एक बोली है। अब मैंने इसका नाम उर्दू दे दिया और उसको एक विजुअल सिस्टम से डेवलप किया, और इसी बोली को मैंने एक डिफरेंट राइटिंग सिस्टम से इसको देवनागरी में बेस कर दिया। अब बोली एक थी, बोली के मैंने दो राइटिंग सिस्टम्स क्रिएट कर दिए, क्योंकि राइटिंग सिस्टम तो सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, और मैंने ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्रिएट किया जहां पे साइट की डिपेंडेंसी साउंड पे हो, यानी कि अलिफ अगर मैं लिखूं तो उसकी आपको साउंड पता हो, और इसी तरह के मैं अगर देवनागरी का कोई कैरेक्टर लिखूं तो आप उसको साउंड पता हो, अगर मैं बंगाली का कोई कैरेक्टर लिखूं तो आपको उसकी साउंड पता हो, यानी कि कैरेक्टर्स जो है हमारी लैंग्वेजेस के अंदर वो साउंड पे डिपेंडेंट है ना। हमारी सारी लैंग्वेजेस के साउथ एशिया के, हमारी सारी साउथ एशिया की लैंग्वेजेस में हमारी राइटिंग सिस्टम साउंड के ऊपर बेस्ड होते हैं, डिटरमिन करते हैं। देखिए, ये हमें गोरों ने दिया सिस्टम, और ये हमको तोड़ने के लिए दिया, हमारे अंदर फूट डालने के लिए दिया। क्यों? क्योंकि अगर राइटिंग सिस्टम को हम दो पुख्तले बना लें तो हम बोली को नहीं सोचते कि हम समझ रहे हैं दूसरे की नहीं समझ रहे, हम इस पर पढ़ते हैं कि देखो मैं तो ऐसे लिखता हूं तुम ऐसे लिखते हो। देखिए, इन्होंने क्या किया, बोली से लैंग्वेज क्रिएट की और लैंग्वेज के बेसिस पे हमको लड़ा दिया। अब ये बात बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है कि उर्दू लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। उर्दू जो थी उसके गालिब, जिसको हम शायर कहते हैं उर्दू का, तो गालिब ने तो कभी उर्दू का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। गालिब ने अपनी शायरी में कभी उर्दू लिखा है? कभी गालिब के खुतूत में आपको उर्दू का वर्ड मिला है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उर्दू का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था। बल्कि गालिब को तो अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, फोर्ट विलियम कॉलेज से उन्होंने उसको तंकार दी, फोर्ट विलियम कॉलेज से इस्तेमाल करके उसने गालिब को उर्दू की आइडेंटिटी और स्पेलिंग सिस्टम से कनेक्ट करके मुसलमानों की आइडेंटिटी से क्रैक कर दिया। बोली जो एक कॉमन थी उससे उन्होंने दो राइटिंग सिस्टम्स निकाले, उन दो राइटिंग सिस्टम्स को उन्होंने दो डिफरेंट ग्रुप्स को जो जिनके बिलीफ सिस्टम्स मुख्तलिफ थे उनके उनसे जोड़ दिया, और उनसे जोड़ने के बाद उन लोगों को आपस में लड़ा दिया। आज तक लड़ रहे हैं, और वो जो लड़ा के चले गए वो आज तक ताकतवर हैं। देखिए, ये हमारी कॉलोनाइजेशन है। तो जब कहते हैं लोग मुझसे कि कॉलोनाइजेशन तो खत्म हो गई है, अब किस बात की शिकायत? भाई कहाँ खत्म हो गई है, हम तो उन्हीं की तोड़ में फंसे हुए। अगर कॉलोनाइजेशन खत्म हो जाती तो हमारे तोड़ भी तो खत्म हो जाते, हमारी दुश्मनियां भी तो खत्म हो जाती, क्योंकि दुश्मनियां तो उन्होंने बनाई थी, हमारी तो नहीं थी ना। अकबर की बीवी जो थी वो तो हिंदू थी। अकबर के जमाने में अक्सर मुसलमान वेजिटेरियन हुआ करते थे, अकबर खुद वेजिटेरियन था। ये सारी फैक्ट्स हमें पता है। तो इसमें कहां से लड़ाइयां कराई हैं उन्होंने? देखिए, ये देखिए, मैं इस पर समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, उन्होंने लैंग्वेज को लेकर एक कैटेगरी बनाई और कैटेगरी को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू उन्होंने डिवाइड किया। अब ये नोट करिए आप, जो डिवाइड एंड रूल की जो हम बात करते हैं ना, ये इनके एकेडमिक नोशंस के अंदर एग्जिस्ट करती है, और ये देखिए अभी तक करते चले आ रहे हैं। ये अभी तक नई लैंग्वेजेस क्रिएट करते चले आते हैं, अभी तक कहते हैं नई लैंग्वेज ये और नई लैंग्वेज वो। आज मैं जबान बोलता हूँ एक, कल मेरे जो भाई जो वो मुझसे बोलता था वो कहता है मेरी जबान का नाम कुछ और हो गया, क्योंकि देखो ये मेरी जबान में फर्क है और तुम्हारी जबान में फर्क है। स्ट्रक्चरल फीचर माइनर से जो कम्युनिकेशन को भी इनहिबिट नहीं करते, जैसे कि उर्दू और हिंदी कम्युनिकेशन में इनहिबिशन नहीं है।
अब ये देख रही है, एक तरफ तो वेस्टर्न लिंग्विस्ट कहते हैं कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज म्यूचुअली इंटेलिजिबल होती है और डायलेक्ट म्यूचुअली इंटेलिजिबल नहीं होती है, और डायलेक्ट म्यूचुअली भी इंटेलिजिबल होते हैं ना। ये आप लोगों ने सारी लिंग्विस्टिक्स की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि लैंग्वेजेस म्यूचुअली इंटेलिजिबल नहीं होती हैं डिफरेंट, और डायलेक्ट म्यूचुअली इंटेलिजिबल होते हैं, ये हमने सबने पढ़ा है। मगर ये देखिए जरा, उर्दू हिंदी जो म्यूचुअली इंटेलिजिबल है वो क्यों फिर एक लैंग्वेज नहीं है, वो दो लैंग्वेजेस क्यों है? और जब एक पाकिस्तानी इंग्लिश स्पीकर और एक आयरिश स्पीकर इंग्लिश स्पीकर आपस में मिल बात करें तो एक दूसरे की समझ भी नहीं पाते, वो इंग्लिश है दोनों, आप नोट कर रहे हैं, इनकी इंग्लिश कभी डिवाइड नहीं होती, ये वर्ल्ड इंग्लिशेस हो जाती हैं। चाहे कि वर्ल्ड इंग्लिशेस ऐसी हो कि एक वर्ल्ड इंग्लिशेस वाला दूसरी वर्ल्ड इंग्लिशेस से कुछ नहीं समझ सकता। अगर मैं आपके कमरे आपके पास इधर में एक जमैकन को लेकर आ जाऊं और जमैकन से कहो वो अपनी 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 बोली में जरा बोले, जमैकन अंग्रेजी में, तो हम के अक्सर लोगों को समझ में नहीं आएगी, है ना। तो अंग्रेजी तो ऐसी है कि एक अंग्रेज दूसरी अंग्रेजी बोलने वाला दूसरी अंग्रेजी बोलने वाले को नहीं समझ सकता, म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी नहीं है वो, अगर वो इंग्लिशेस हैं। और हमारे यहाँ जहां पे हम एक दूसरे के समझ सकते हैं वो डिवाइडेड करके उनको दो लैंग्वेजेस बना दिया और फिर लैंग्वेज को आइडेंटिटी से रिलेट कर दिया। ये क्या है? ये सारी सब कुछ नॉन मटेरियल है ना, क्योंकि ये तो मटेरियल डिविजन्स नहीं है। और अगर ये मटेरियल होते तो हम इसे देखते मटेरियली, हमें तो नजर नहीं आते मटेरियल डिस्टिंक्शंस। एक हिंदू में एक मुसलमान में क्या मटेरियल डिफरेंस है भाई, दोनों इंसान है। मगर उनकी सोचे यानी कि नॉन मटेरियल में सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब ये देखिए, मटेरियल और नॉन मटेरियल और उनका जंक्शन, उसके जंक्शन पे हम रहते हैं, और उसके जंक्शन में अगर हमारी हिस्ट्रीज को मैनिपुलेट कर दें यानी कि हमारी पास्ट को मैनिपुलेट कर दें तो हमें तो पास्ट को वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं है। मगर हमारे पास्ट को जब वो झुठवा दे और हम उसकी झूठी फाइट को झूठे पास्ट को मान लें तो हमारे हमारे फ्यूचर टूट जाता है, हमारा प्रेजेंट भी खराब हो जाता है, हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाता है। ये किया है हमारे साथ, इसको कहते हैं हम सोशियो सिमियोटिक वॉरफेयर। सोशियो सिमियोटिक वॉरफेयर यानी कि जो भी नॉन मटेरियल हमारा वर्ल्ड है, मटेरियल तो तोड़ते ही हैं, चोराते ही हैं हमारी, मगर जो नॉन मटेरियल वर्ल्ड है उसको उन्होंने जाके ऑल्टर कर दिया, हमारी कैटेगरीज बदल दी, हमारी निजाम बदल दिया, हमारी सारी सोचों के जो बेसिक सिस्टम्स थे जिसपे हमारी सोच चलती थी, हमारे जो मेरे और आपके एंसेस्टर्स थे एक ही थे ना, वो जो हमारे एक ही एंसेस्टर्स हैं, एक ही एंसेस्टर्स हैं हमारे, उन एंसेस्टर्स को उन्होंने जाके तोड़ दिया पीछे से हिस्ट्री में जाके। और जहां जहां तोड़ा, आप ये नोट कीजिए, उन्होंने हिस्ट्रीज डाली हैं वायलेंस की, वायलेंट हिस्ट्रीज। मुसलमान इंडिया में कैसे आए आप बताइए मुझे, अगर आप लोगों ने किसी ने भी हिस्ट्री की किताब पढ़ी हो या पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ी हो तो मैं आपको बताता हूँ, 712 एडी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, वहां पे जाके उसने राजा सिंध में अटैक किया, आया और सिंध में राजा दाहिर था, और राजा दाहिर से बड़ा खराब हिंदू था, और उससे उससे लड़ाई हुई और उसने मोहम्मद बिन कासिम जीत गया और फिर उसके इस्लाम फैला। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, सबने हमने सबने ये पढ़ा है ना, ये झूठ है। ये झूठ क्यों बोला गया हमसे? इसलिए क्योंकि जब हम समझते हैं कि हमारी हिस्ट्री वायलेंट है और हमारी हिस्ट्री में ही जंग थी, हम मुसलमान हमेशा से जंग करते आए हैं और हिंदुओं को हमेशा मारा है, तो हिंदू बेचारे पिटे और हिंदुओं को बदला लेना चाहिए, देखो लड़ा दिया, मुसलमान तो बाहर से आए हमारे तो अच्छे लोग थे, इन्होंने लड़ा दिया। देखें ये किया इन्होंने बार बार बार, लैंग्वेज से, रिलीजन से, हिस्ट्री से। अब आपको मैं बताता हूँ हिस्ट्री थी क्या, ठीक है। अब इसको हिस्ट्री समझने के लिए ना, आप मैं क्या कह रहा था नहीं री रीडिंग हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री को आप भूल जाइए, हिस्ट्री जो भी लिखी हुई ना, आप ये देखिए जो भी हिस्ट्री की बुक्स हैं, आप अच्छी से अच्छी जो आप समझते हैं हिस्ट्री की बुक है आप उठा के देखिए, उस पर रेफरेंसेस देखिए, उसकी बिब्लियोग्राफी देखिए, उसकी बिब्लियोग्राफी सिर्फ गोरों पे या गोरों के जमाने में लिखी हुई जाने वाली किताबों पे रुक जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आप ये मुझे बताइए कि इस्लामिक हिस्ट्री के कुरान के और हदीस के जो ऑथेंटिक ओरिजिनल टेक्स्ट्स हैं वो किधर हैं? अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट्स की कुरान की जो जो हजरत उस्मान के जमाने में जो कुरान लिखा गया था उसकी कॉपी को आपको हासिल करके पढ़ के अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप इस्लाम के स्कॉलर हैं, मुसलमान के मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो आप ये बताइए वो आप टेक्स्ट कहाँ से हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों?
ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है टैक्स, वो टैक्स जो है उनके गोरों के यूके में और यूएस में और जर्मनी में उनके म्यूजियम्स में रखे हुए, हमारे पास उनका एक्सेस नहीं है। जो टैक्स बचे हैं सारे तो उन्होंने जला दिए। आपने सुना होगा ना, मैकाउले ने कहा था कि हमारी इंग्लैंड की इंग्लिश की लाइब्रेरी की एक शेल्फ यहाँ के साउथ एशिया की सारी लाइब्रेरी से बेहतर है। आप लोगों ने सुना है ना ये मैकाउले का कहना? तो ये बताइएगा, वो जो लाइब्रेरी की किताबें जो मैकाउले कंपेयर करता था वो किधर है, कहाँ है वो हजारों सैकड़ों किताबें? हमको कहाँ से क्यों नहीं मिली कि हम उनका उनका जायजा लें, उनको पढ़ें, ऑथेंटिक टेक्स्ट हमारे पास हों, उनको हम रेप्लिकेट करें, उनके डिजिटल इमेजेस लेकर हम उसको स्टडी करें। वो एक टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करते हमारे लिए। तो अभी नोट किया, एक तो उन्होंने हमको झूठी हिस्ट्री दे दी, और हम अपनी हिस्ट्री मालूम करना चाहें तो वो मालूम ही नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई रेफरेंसेस ही नहीं रहे, हमारे पास कोई सोर्सेस ही नहीं है। तो जब भी हमें कोई सोर्स चाहिए होता है तो कहाँ जाएंगे हम सोर्स पे? हमको सोर्स के लिए जाना पड़ेगा अंग्रेजों की चीजें बनाई हुई या उनके जमाने में जो चीजें लिखी गई, यानी कि हिंदी हिंदुइज्म की हिस्ट्री भी और इस्लाम की हिस्ट्री भी। जो डोमिनेंट हिंदुइज्म इस्लाम साउथ एशिया की हिस्ट्रीज हैं वो सारी इंग्लिश ब्रिटिश एरा में ब्रिटिशर्स ने लिखी या ब्रिटिशर्स ने स्पॉन्सर की। तो ऐसी हिस्ट्रीज पे हम कैसे यकीन कर सकते हैं जिनका पर्पस डिविजन था? हमारे लोग तो बहके में आ गए, मगर ये लोगों ने तो जानबूझ से किया था ना, इन्होंने तो उनका मकसद ये था कि लोगों को डिवाइड करें। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब हम देखते हैं ये हिस्टोरिकली हमारे साथ इस तरह के प्रोसेसेस से हमारी हिस्ट्री खत्म हो गई है। अब हमको रिक्रिएट करने के लिए हिस्ट्री, समी साहब, आई हैव सीन योर पोस्ट, आई लास्ट यू, आई कम बैक टू यू। ठीक है, तो लेट मी फिनिश दिस थ्रेड एंड देन आई कम बैक टू यू। अब तो अगर हमको कोई चीज को समझना है तो हमको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो किसी ने भी लिखी हो। हमको मटेरियल अंडरस्टैंडिंग्स पे जाना पड़ेगा। नोट कीजिए, नॉन मटेरियल टेक्स्ट यानी के जो भी लिखी हुई चीज है, खासतौर पे जो नजर आती है तो फिर भी सही है, जो लिखी हुई है तो उस पर और भी कम भरोसा होना चाहिए हमको। ठीक है, हमको यानी के देखने की जरूरत है कि चीजों का मटेरियली अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम कैसे पहुंचा साउथ एशिया में और कब पहुंचा, इसको हमको गोरों की हिस्ट्री से नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि वो तो वायलेंट हिस्ट्री है, इसको हमको जियोग्राफिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ गूगल मैप पे, क्योंकि गूगल मैप क्या है, वो मटेरियल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जियोग्राफिक रीजन का, लैंग्वेज इस लिहाज से ओरल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, मगर है सीमियोटिक क्योंकि वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। और आप लोगों ने अगर पढ़ी हो हिस्ट्री मैप्स की तो आपको ये भी पता होगा कि मैप्स मेकिंग जो है वो भी एक निहायत पॉलिटिकल एक्ट है, क्योंकि जो मैप्स में जिस तरह आप बनाए जाते हैं और जिस जावियों से बनाए जाते हैं, जिस प्रोपोर्शन से बनाए जाते हैं और जिस तरह उनको फ्रेम किया जाता है, उससे जो मैप देखता है उसकी सोचें मुख्तलिफ कौमों के लिए, मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए डिफरेंट होती है। यानी कि अगर आप देखें नॉर्मल जो जनरल मैप्स होते हैं दुनिया के, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स को एक्सपेंड किया हुआ होता है ना, यानी अलास्का इतना बड़ा है, ग्रीनलैंड इतना बड़ा है, और अफ्रीका के एक मुल्क के बड़े छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप एक थ्री डायमेंशनल चीज यानी कि ग्लोब, उसको आप एक टू डायमेंशनल पेज पे दिखाना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसको आपको ऑल्टर करना पड़ता है, और ऑल्टरनेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे राइटिंग सिस्टम्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, साउंड पे डिपेंडेंसी, नई डिपेंडेंसी वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैप्स के मुख्तलिफ हो सकते हैं, और ये एक निहायत पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती है। इसके अंदर एक पूरी इसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री भी है, मगर वो उस पर आज जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। आज हम जाते हैं गूगल मैप्स पे। तो ये मैं यहाँ पे यहीं पे ठीक है, आप लोगों को सबको नजर आ रहे हैं ना, मैं चलता हूं मिडिल ईस्ट। अब देखिए, मैं जो बहुत सारी बातें करूंगा ये आपकी ट्रेडिशनल हिस्ट्रीज के में नहीं होंगी, बल्कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आपकी हिस्ट्रीज के हो सकता है कि जो हिस्ट्रीज आपने पढ़ी हैं उससे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ। अब आप लोग जरा मुझे इसमें इजाजत दीजिए कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि जियोग्राफिकली थिंकिंग जो होती है उसके अंदर
मेरी सोचों के इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि ये एक मैप है, ठीक है, ये एक आपको ये इसको ये आप गूगल मैप पे देखें या मैं देखूं, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। इसमें ये नहीं है कि मेरी सोच ये है और आपकी सोच ये है, ये हमारे दो ओपिनियंस हैं, इसमें ओपिनियंस नहीं है, क्योंकि ये आपको एक मैप नजर आ रहा है ना। आप लोग सब पढ़ सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया 1920s में आया है, उससे पहले यानी कि आज से 100 साल पहले सऊदी अरबी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये आपको पता है हिस्टोरिकल फैक्ट ना। तो अब हम इस मैप को जब देख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप इसमें जो नाम है ना जेरूसलम और इसराइल और सऊदी अरबिया, ये सब छोड़ दिए मुल्कों के नाम, आप सिर्फ जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए, क्योंकि जब आप मुल्कों के नाम देखने लगेंगे तो फिर आपकी उससे उसकी आपकी एटीट्यूड जो है ना वो निकल कर आएंगे। हमको उनको सप्रेस करना है, क्योंकि हमें अपनी नॉन मटेरियल थिंकिंग को सप्रेस करना है, हमको सिर्फ मटेरियल पे गौर करना है। तो जब हम मटेरियल पे गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जेरूसलम और ये इलाका यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन का, और ये देखिए सना, इसके बीच में मक्का है, हाफ पॉइंट है ना, इसमें कोई सोच नहीं है ना आपकी मेरी, कोई सोच नहीं है, ये तकरीबन हाफ पॉइंट है, एब्सोल्यूट हाफ पॉइंट नहीं है, अप्रोक्सीमेट मक्का मदीना हाफ पॉइंट है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब ये नोट कीजिए कि यहां से अगर आपको जेरूसलम से आपको इथियोपिया जाना हो, आप कैसे जा सकते हैं? आज से डेढ़ हजार साल पहले आपको जेरूसलम से इथियोपिया जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? आपके पास दो रास्ते हैं, एयरप्लेन तो नहीं है ना, बहुत ज्यादा हमारे पास शिप्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना, हमारा सी फेयरिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है, लिमिटेड है, सी फेयरिंग है लिमिटेड है, ठीक है। तो हम दो तरह यानी कि हमको बाय लैंड जाना पड़ेगा। अब बाय लैंड जाने के लिए या तो हम इधर इजिप्ट से जाएं, इजिप्ट में क्या है, नाइल है ना, नाइल में क्रोकोडाइल्स होते हैं, यानी कि नाइल बहुत खतरनाक दरिया है। तो आप क्या ख्याल से आप नाइल से जाएंगे? नहीं, आप इधर से रैंड बाय लैंड आएंगे, यहाँ पे हाफ पॉइंट पे रुकेंगे, यहां से लोग इथियोपिया से क्रॉस करेंगे चैनल, क्योंकि सबसे करीब है चैनल क्रॉस करना, यहाँ से इधर से क्रॉस करके इथियोपिया से लोग आएंगे, ये मक्का आएंगे, मक्का सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा, है ना। आपके सारे इलाके से अफ्रीका से इथियोपिया से एलिटेरिया से, जो आजकल के जमाने में इथियोपिया का जिक्र तो हजरत मोहम्मद के जमाने में भी था ना, इथियोपिया तो बहुत पुरानी बादशाह थी, उससे ट्रेडिंग होती थी, है ना, ट्रेडिंग रूट्स थे ना, ये ट्रेडिंग रूट्स प्री इस्लामिक थे, ये इस्लामिक इस्लाम की हिस्ट्री से पहले चले जाते हैं, इस्लाम की हिस्ट्री में भी ये नहीं आते। अब ये देखिए, ये थी मक्का की सेंट्रलिटी। अब ये बताइए कि एक आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो जिसमें बेईमानी बहुत हो, बहुत बेईमानी हो, नाइंसाफी हो, जैसे न्यूयॉर्क है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इनइक्वालिटीज होंगी, जैसे न्यूयॉर्क के अंदर इनइक्वालिटीज हैं, वहां पे कुछ लोग बहुत अमीर होंगे और कुछ लोग बहुत गरीब होंगे, और अमीर लोग गरीबों को दबा के तबाह कर रहे होंगे, ऐसे ही होगा ना। अगर आप एक ट्रेडिंग सेंटर को लें और उसके अंदर एक ना इंसाफी और बेईमानी की एक निजाम डाल दें तो यही होने वाला था, यही होता था। अब इसके अंदर इस्लाम जिसे हम कहते हैं वो एक सिंगुलर ईमानदारी का सिस्टम लेकर आया, ईमानदारी का, देखिए जिसे हम ईमान कहते हैं ना, ईमान कहां से आया, ईमानदारी, ईमान। अब देखिए ईमान जो है यानी कि ईमानदारी जो है, सच्चाई, ईमानदारी, ईमानदारी में किसी का नुकसान नहीं होता है, ईमानदारी में हर किसी का बेहतरी होती है, बेईमानी में कुछ लोग बेहतर होते हैं, अक्सर लोग नुकसान में होते हैं, ईमानदारी में अक्सर लोग बेहतर होते हैं, सिर्फ बेईमानों को नुकसान हो रहा होता है। तो ये बेसिकली उन्होंने रेवोल्यूशन रिफॉर्म ये था, इसके बेसिस के ऊपर बेसिकली आप देखिए, इसके बेसिस के ऊपर इस्लाम जो जिसे हम कहते हैं वो एक ईमानदारी का एक ट्रेडिंग प्रोफेशन था, ट्रेडिंग ट्रेडर्स थे ये, क्योंकि बाकी इलाकों में इस्लाम नहीं था, यहाँ पे मुख्तलिफ मजाहिब मुख्तलिफ लोग थे और ये प्लूरिटी चलती गई, अभी तक है ये मौजूद, यानी कि अगर आप इलाकों में चले जाएं तो मुख्तलिफ मजाहिब अभी भी हैं उस इलाकों में, कम है मगर हैं, तो डायवर्सिटी कम होती चली जा रही है मगर है।
तो वो जो डाइवर्सिटी हमको बताती है कि ये मल्टीप्लिसिटी को एक ईमानदारी के थ्रू एक ट्रेडिंग शेप में ला के स्ट्रेंथन दी और उसके थ्रू ट्रेडिंग हुई। अब ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि बाय 660 यानी कि हजरत मोहम्मद के इंतकाल के 30 साल से पहले पहले हजरत उस्मान के जमाने में इस्लाम का कैपिटल मक्का से छोड़ के उर्दू चला गया था जो आजकल के मॉडर्न डे सीरिया में। ये बताइए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ये बताइए कि हजरत उस्मान के जमाने में कैपिटल इतने दूर कैसे चला गया? जंगों से तो नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए हो सकता है कि ट्रेडिंग से होता, और ट्रेडिंग में सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है तो आपकी बेहतरी होती है, उससे आपकी आपका स्टेटस, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो जब आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही होगी तो ऑब्वियसली मक्का का मौसम तो अच्छा नहीं है, आपको अगर मौका मिलेगा तो आप चले जाएंगे ऊपर खुद। तो यही हुआ, हजरत उस्मान ऊपर चले गए, मौका अच्छा था। अब ये नोट कीजिए, हजरत उस्मान चौथे तीसरे खलीफा मक्का छोड़ दिया उन्होंने, और हम समझते हैं आज के इस लोकेशन ही सब कुछ है। ये देखिए, ये देखिए, एक चीज है मटेरियल, एक चीज है नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल को मैनिपुलेट करते हैं हिस्टोरिकली, कहानियों से, हिस्ट्री से, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली मटेरियली देखें तो वो कहानियां नहीं चल पाती, इसलिए वो मटेरियल थिंकिंग नहीं लेकर आते, वो नैरेटिव थिंकिंग लेकर आते हैं और नैरेटिव्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ये नैरेटिव्स क्या है, ये विजुअली लिखी भी होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं लिटरेसी जो है वो ट्रोजन हॉर्स है, क्योंकि उसके थ्रू जब हमने पढ़ना सीख लिया तो हमने झूठ मानना भी सीख लिया। ठीक है, अब जब सब सोचिए कि 660 के अंदर अगर हजरत उस्मान इधर से मूव करके कैपिटल कुछ जा सके होते, और आपको पता है हजरत अली जो है इधर आपके बगदाद वगैरह सब आ चुके थे, तो आपके ख्याल से बगदाद ईरान से आपके सिंध आना कोई दूर है ट्रेडिंग रूट में? अगर ईरान के अंदर मुसलमान थे ट्रेडिंग रूट्स के ऊपर, ईमानदारी की रूट्स पे, ईमानदारी ट्रेडिंग रूट्स पे, अंदरूनी नहीं थे। और ये आप नोट कीजिए, जब अंग्रेजों ने, गोरों ने साउथ एशिया पे कब्जा करने की कोशिश करना शुरू की, जिनको हम मुसलमान इलाके कहते हैं, सिर्फ वो ट्रेडिंग कैपिटल्स थे, सेंट्रल ट्रेडिंग कैपिटल्स जहां पे मुसलमान रहा करते थे, बाकी इलाकों में मुख्तलिफ लोग रहा करते थे, क्योंकि एक नोशन ऑफ कंट्री नहीं होता एग्जिस्ट करता था, लोग मुख्तलिफ तरह से रहा करते थे। जो लोग तजारत करते हैं वो तजारती ईमानदारी करते थे, ईमानता उनका, जो लोग तजारत में थे तो उनके मुख्तलिफ मजाहिब थे। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी बोली के अंदर तो समझा हुआ था, हमने इसको नाम दिया था दीन, ईमान और मजहब। अब अंग्रेजी के अंदर दीन, ईमान और मजहब के कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो उनकी एग्जिस्टेंस की शोशी नहीं थी। उनके पास क्या एग्जिस्ट करता था? रिलीजन की कैटेगरी। तो उन्होंने रिलीजन की कैटेगरी से लोगों में डिविजन कर दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ईमानदारी सबको जोड़ती है, ईमानदारी में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, आप ईमानदार हैं तो ईमानदार हैं, बेईमान है तो बेईमान है, कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने ईमानदारी के नोशन को रिलीजन के नोशन से निकाल दिया, ईमान की बात ही नहीं करते। और अगर करते हैं, मुल्ला जो है ये कॉलोनियलिस्ट है, क्योंकि ये सऊदी अरब से कनेक्टेड है। अब सऊदी अरब की हिस्ट्री आपको पता होगी, सऊदी अरब क्यों बनाया गया? ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए बनाया गया। आप लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में नाम सुना होगा, खिलाफत टूटी। खिलाफत क्या थी? ऑटोमन एम्पायर था ना। खिलाफत को तोड़ने के लिए क्या किया? खिलाफत कैसे टूटी? जब अरबों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें क्या पता इस्लाम का, इस्लाम तो हमें पता है क्योंकि हम इधर के रहने वाले। सऊद फैमिली ने शुरू किया ये, और सऊद फैमिली ने शुरू करके सऊदी अरब बनाया लड़ाई के बेसिस पे। उन्होंने तरवार इस्तेमाल की, सऊद ने तरवार इस्तेमाल की। हिस्टोरिकली ट्रेडिंग में ईमानदारी में तरवार की जरूरत नहीं होती, ईमानदारी तरवार पे नहीं चलती। अगर आपको तलवार चलाना है तो आपकी ईमानदारी टूट जाएगी। अब ये देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस। तो सऊदियों ने तो आकर इस्लाम को तो झूठा बना दिया, जो वो हमसे कहते हैं इस्लाम है वो झूठ है। मैं आपको एक बहुत तरीके से बताता हूँ ये। अब ये देखिए, ये सोशियो सिमियोटिक वायलेंस है, और ये लिटरेसी के थ्रू हमको ये पॉइजन दिया जाता है, क्योंकि इसको हम क्वेश्चन करने से नाकाम रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सलाहियत नहीं होती कि हम उनकी हिस्ट्रीज को क्वेश्चन कर सकें थ्रू मटीरियल थिंकिंग। हम उनकी हिस्ट्री को काउंटर करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, तुमने उसने ये कहा था और उसने ये कहा था और उसने ये कहा था और उसने ये कहा था, और आपस में बहस में पड़ जाते हैं। बहस में पढ़ने का क्या फायदा?
आपकी सोचने की तरफ बढ़ता है। आप जो भी सोचें, मैप तो ये है ना, मैप तो चेंज नहीं होने वाला। आपकी सोच जो भी होने वाली हो जाए, मैप नहीं चेंज होने वाला। अब देखिए, चूंकि हिस्ट्री डिस्टेंस्ड है, उस मटेरियल नहीं है, तो आप वापस हिस्ट्री में जाके कुछ देख भी नहीं सकते, वेरीफाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास मटेरियल कोई एविडेंस नहीं है, तो सारे का सारे आपको आपको भरोसा करना है किसी की लिखाई पे। और लिखाई सबसे आसान तरीका है झूठ बोलने का। तो फेक न्यूज, जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं इस एक कोर्स के अंदर, इस पार्ट में, फेक न्यूज क्या होती है? फेक न्यूज तो विजुअल होती है ना, कोई आपसे कुछ कहता है, कुछ आपको दिखाता है, जो झूठ होता है। अगर मेरे कमरे पे खाना रखा हो और मुझसे कोई कहे खाना खाओ और मैं सूंघूं और बदबू आ रही, तो मुझसे जितना भी कह ले अच्छा है अच्छा है अच्छा है, मैं तो नहीं खाऊंगा भाई। आप खाएंगे? आप पे से कोई खाएगा? अगर एक खाने की कोई चीज मैं आपके सामने रखूं जिसमें से बदबू आ रही हो, आप खाएंगे? नहीं, क्योंकि वो मटीरियल है आपके सामने, मटीरियलिटी है उसकी, उसको आप सूंघ सकते हैं। और सूंघ आपको बता रही है कि ये बुरी है, तो उसको आप अपने मुंह के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने मुंह के अंदर डाला और उसको आपने निगल लिया तो उससे बीमार हो जाएंगे, मर सकते हैं, इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ग्रुप बी सेंसरी सिस्टम्स का। ग्रुप ए, उसमें आप कुछ भी कह लें, अगर आपने मेरी बात मान ली, सच्ची हो झूठी हो बस आपकी दुगई, अगर सच्ची हो तो अच्छी बात है, अगर मैंने आपसे झूठ बोला तो आप गए। देखिए, दुनिया में जिंदगी रहना बड़ा मुश्किल होता है, हर वक्त किसी को कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी सही हो, 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे में, उसके बावजूद मैं गलती कर सकता हूं, है ना। मगर अगर मेरी सारी इंफॉर्मेशन ही गलत हो, तो अगर मेरे पास कुछ कहीं से सही रिजल्ट आ जाएगा तो वो फिर एनोमलीस होंगी ना, वो एनोमली हुई, वो एक रेगुलर पैटर्न तो नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे देखिए, आप, मैं भी पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, कराची का रहने वाला हूँ, मेरे वालिद जो थे वो अलीगढ़ के थे, मेरी वालदा भोपाल की थी, हैं, मेरी वालदा की जो बर्थ थे वो भोपाल की है, ठीक है, वो भोपाल ही, मेरे अब्बू कहीं और के, ठीक है, ये सारी हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, मैं कहाँ का हूँ। मगर ये बताइए आप मुझे कि आपको कितने पाकिस्तानी और इंडियंस और साउथ एशियंस और बांग्लादेशी सोशल साइंसेज और नॉन मटीरियल साइंसेज के अंदर थियोरेटिकल डेवलपमेंट करते हुए नजर आते हैं? अगर आपको कोई साउथ एशियंस नजर भी आते हैं तो वो वही रिपीट कर रहे होते हैं पैटर्न्स, किसी के थ्योरी को रिपीट कर रहे होते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को रेप्लीकेट कर रहे होते हैं, नई चीज नहीं बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये नहीं कि वो उनकी क्रिएटिविटी नहीं है, उनके अंदर कोई कमी है, मगर हम बेसिकली ये है कि सिस्टम जो है उसके अंदर सिर्फ एनोमली एग्जिस्ट कर पाती है, यानी कि मैं एग्जिस्ट करता हूं एज एन एनोमली, मगर आप सब लोगों को मुझ जैसा होना चाहिए। अगर आप सब मेरे जैसे नहीं है तो यानी कि ये सिस्टम की पैदावार नहीं है, ये सिस्टम का एक एनोमली निकली है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक सिस्टम जो हमें कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स दे रहा है वो हमारे काम नहीं आ रहे। अगर काम आ रहे होते तो हम आज से 200 साल पहले रुक चुके होते लड़ाई करना, हम आज से 100 साल पहले बंटवारा छोड़ रुक चुके होते, हम नहीं करते ये बंटवारे, ठीक है। ये हम लड़ाइयां करते आ रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि ये डिविजन हमारे नहीं है। तो ये सोशियो सिमियोटिक वायलेंस, सोशियो मटीरियल और नॉन मटीरियल थिंकिंग की एप्लीकेशन हैं, इससे इंटरप्रिटेशन होते हैं। अभी देखिए आप, अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक ऐसे कॉन्टेस्ट क्रिएट किया, रमजान ऐसे कॉन्टेस्ट। अभी देखिए, मैं अगर आप लोग मुझे जानते हो तो मैं ज्यादा रिलीजियस आदमी नहीं, तो बल्कि मेरे दोस्त बड़े शॉक में थे कि भाई तुमने कैसे ये क्रिएट किया। देखिए, मैं इसलिए क्रिएट किया कि मैं इस पे सोशियो सिमियोटिकली और मटेरियल और नॉन मटेरियल अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहा हूँ। मुझे एक शक भी कैसा हुआ पैदा कि ये कैलेंडर गलत है। ये पहली बात तो ये कि सवाल मैंने जो पूछा कैलेंडर के बारे में, तो यानी कि मुझे कुछ शक था ना कैलेंडर के बारे में, इसलिए मैंने उसके ऊपर स्टडी की, और उसको स्टडी करने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन डेवलप किया। तो मुझे शक क्यों हुआ? मुझे शक इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मटेरियल और नॉन मटेरियल जो जंक्शन था वहां पे मसला हो रहा था। वो क्या मसला हो रहा था? अब फॉर एग्जांपल, आप मक्का में रहते हैं ना, मिडिल ईस्ट सेंट्रल गर्म इलाका, गर्मी शदीद होती है उधर जून जुलाई में। अगर आपका उधर मजहब भी कोई नहीं है, अब ये बताइए कि आपका दिमाग खराब हुआ है कि आप इस सारे इलाके गर्म इलाकों से जून जुलाई में जाएंगे हज करने के लिए? ट्रेडिंग हज तो जो है पहला है ना, इस्लाम से पहले का है ना,
इस्लाम ने तो उसे रखा है, मगर हज तो इस्लाम से प्रीडेट करता है। तो आप बताइए कि इस्लाम भी नहीं था कि किसी का दिमाग खराब हुआ था कि जून जुलाई की गर्मी में वो ट्रेवल करके रेगिस्तानों में से मक्का पहुंचेगा? कोई करेगा ऐसा? आप करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे? दिमाग थोड़ी खराब गर्मी में जाके रेगिस्तान में मरे हम जाके। ऐसी कौन सी ट्रेडिंग आई है भाई कि हमारे हमारी अपनी मौत लें? कोई नहीं करता। तो इस ये जब मैंने जंक्शन नोट किया ना, देखिए ये जैसे मैंने कुछ लोगों से कहा भी, जो शेक्सपियर ने कहा टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ये एक एग्जाम्पल है टाइम ऑफ इज आउट ऑफ जॉइंट, क्योंकि मौसम और आपके रिवायात, इनके अंदर एक अलाइनमेंट होता है हमेशा। फिर इसके मैंने ये सवाल पूछा अपने आप से कि ये बताओ मुझे अहमद कि बाकी सारे जो रिलीजन्स हैं कैटेगरी रिलीजन्स की, उनके सबके त्यौहार सीजन से जुड़े हुए होते हैं। लूनर कैलेंडर और भी डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं। जूश कैलेंडर लूनर है, हिंदू कैलेंडर लूनर है, चाइनीज कैलेंडर लूनर है, तो लूनर कैलेंडर्स तो और भी होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ इस्लाम का कैलेंडर ऐसा है कि हमारे महीने हर 10 दिन बदलते रहते हैं, कि कभी तो रमजान सर्दियों में आता है और कभी रमजान गर्मियों में आता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हज गर्मियों में आए? कभी कोई ट्रेवल तो करेगा नहीं। इस ये देखिए जंक्शन है ना मटीरियल और नॉन मटीरियल का, इसको मैंने देखा, इधर मैंने देखा ये गड़बड़ है, टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट। फिर मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू की, उधर से मैंने दरियाफ्त किया कि एक जलाली कैलेंडर भी हुआ करता था। अब तो हम सिर्फ जलाली समझते हैं कुछ लोग, मगर जलाली कैलेंडर नहीं जानते लोग। जलाली कैलेंडर उमर कयाम ने बनाया था। उमर कयाम तो कोई क्वेश्चन करने वाला पैदा हुआ है आज तक? नहीं है ना, हम में से कोई किसी काबिल नहीं उमर कयाम के, ना इनके वेस्टर्न साइंटिस्ट से। आपको पता है क्यों? क्योंकि उमर कयाम ने जो जलाली कैलेंडर डेवलप किया था, जो मुस्लिम वर्ल्ड में 1096 में अडॉप्ट हो गया था, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो उसके 600 साल बाद आया है उससे ज्यादा एक्यूरेट है। उसके अंदर लीप ईयर की जरूरत ही नहीं होती है। ये जो हमारे पास कैलेंडर में आता है ना लीप ईयर और लीप मिनट्स और लीप सेकंड्स, जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर है, ये जलाली कैलेंडर के अंदर नहीं है, क्योंकि जलाली कैलेंडर ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि उमर कयाम मैथमेटिशियन था, और उमर कयाम के साथ जो लोगों ने काम करके ये कैलेंडर डेवलप किया था वो सब मैथमेटिशियंस थे। अब ये नोट कीजिए कि मुसलमानों ने खुद ने एक सोलर कैलेंडर अडॉप्ट कर लिया था 1096 के अंदर। मुसलमानों ने सोलर कैलेंडर अडॉप्ट कर लिया 1096 में, उमर कयाम ने बनाया था वो कैलेंडर, सब मुसलमानों ने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये बताइए कि ये उमर कयाम का बनाया हुआ कैलेंडर अब ये कहां है? आपको बताता हूं किधर है। आजकल की दुनिया में ये सिर्फ 2 मुल्क हैं जहां पे ये इस्तेमाल किया जाता है, एक ईरान और एक अफगानिस्तान। दोनों मुल्कों ने 1920s में जब आपकी ऑटोमन एम्पायर टूट रही थी और सऊदी अरब बन रहा था, और सऊदी अरब अपना हिजरी कैलेंडर लेकर आ रहा था। ये जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं ये इस्लामिक हिजरी नहीं है, ये सऊदी हिजरी कैलेंडर है, क्योंकि इस्लामिक हिजरी कैलेंडर लूनर नहीं था, वो लूनी सोलर कैलेंडर था। अब ये आप लोग सब पढ़िए इसके बारे में, मगर ये नोट करिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जंक्चर कहां से आया, मटीरियल नॉन मटीरियल, ये आप लोग सब स्टडी कीजिए। देखिए हिस्ट्री को, आपको ही पता चलेगा कि जो जो हमारी कैलेंडर था अपने उमर कयाम ने जो जलाली कैलेंडर बनाया, उमर कयाम से पहले जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हजरत मोहम्मद की पैदाइश से इस्तेमाल किया जाता था, उस उनके जमाने से इस्तेमाल किया जाता था, वो लूनी सोलर कैलेंडर था, वो लूनर कैलेंडर नहीं था। तो लूनी सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो लूनी सोलर कैलेंडर वो होता है जैसे कि हिंदू कैलेंडर है या चाइनीज कैलेंडर है या जूश कैलेंडर है, जहां पे आपके कैलेंडर तो चांद के साइकिल पे चलता है, मगर सीजन से अलाइनमेंट नहीं टूटता, सीजनल अलाइनमेंट कायम रहता है हमेशा। तो आप ये नोट कीजिए, अरेबिक शायरी जो है इस्लाम के अर्ली डेट में, हमेशा रमजान सर्दियों में आता है, हमेशा हज मार्च में आता है, हमेशा, नेवर चेंजेस, ये कभी चेंज नहीं होता था, या ना ये हजरत मोहम्मद के जमाने में चेंज होता था, ना ये उसके बाद चेंज होता था। ये चेंज हुआ है आके 1900s में, और ये हुआ है सऊदीआइजेशन, जो कि ब्रिटिशर्स की एक इन्वेंट थी।
ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने मिलकर सऊदी अरब क्रिएट किया, और जो इस्लाम की जो अंडरस्टैंडिंग्स की जो पाबंद की जो जो जो, जो इंटेलेक्चुअल जो उसके कैपिटल था उसको तोड़कर सऊदीज को बना दिया कि आप बनाए सब कुछ। अब उनको कुछ नहीं पता था, सऊदियों को क्या पता था, उनको ये नहीं पता था कि हिस्टोरिकली के ये जलाली कैलेंडर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इस जलाली कैलेंडर से पहले और कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल होता था, लूनी कैलेंडर, उस पर कैसे सीजन्स को और महीनों को बैलेंस किया जाता था। ये सारी चीजों ने नहीं छोड़ दी। वो इस हजरत मोहम्मद की पैदाइश से 200 साल पुराना कैलेंडर, यानी कि इस्लाम को प्रीडेट करता, 200 ईयर्स प्रीडेट करता हुआ कैलेंडर जो लूनर कैलेंडर है, उसको उन्होंने कायम किया वापस। सोचिए आप, हजरत मोहम्मद के जमाने का भी कैलेंडर नहीं कायम किया, उससे 200 साल पुराना कैलेंडर लेकर आए हैं जो कि सिर्फ लूनर है, और उस लूनर कैलेंडर की वजह से हमारे सीजन्स और हमारे त्यौहार की जो रिलेशनशिप है वो टूट गई है। टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट। जो हमारे यहाँ इसमें हमारे ग्रुप में जो लोग रोजे रखते हैं, आपको खुद पता होगा दिसंबर के रोजे और जुलाई के रोजे में बड़ा फर्क होता है भाई, है ना। तो आप ये बताइए, दिसंबर का रोजा तो बर्दाश्त हो जाता है, ये जुलाई में क्यों किया था? ये कभी नहीं था, हजरत मोहम्मद के जमाने में नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, मगर सऊदियों ने करा दिया। अब देखिए, जब आपका टाइम आपका कैलेंडर टूट जाए, यानी कि आप कैलेंडर क्या है, कैलेंडर नॉन मटीरियल है, क्योंकि टाइम नॉन मटीरियल है हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिहाज से, मटेरियल टाइम नहीं बात कर रहा, कैलेंडर जो है मटेरियल नहीं होता, उसमें कोई जनवरी फरवरी नहीं होता, ठीक है, उसमें मटेरियल मटेरियलिटी होती है। तो उसको जो सोचे देते हैं हम इस कैलेंडर से, वो कैलेंडर होता है। अब जब सीजन्स का, मटेरियल का और नॉन मटेरियल यानी कि कैलेंडर का जो आपस में जोड़ था, जो जोड़ रहा, जो जलाली कैलेंडर ने तो बहुत अच्छा उसे कर दिया, ग्रेगरियन कैलेंडर से बेहतर कर दिया कि आपको कोई भी ईद और चांद को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे जो हमारे एंसेस्टर्स थे उमर खयाम जैसे लोग, उन्होंने हमारी जिंदगी कितनी बेहतर कर दी थी, और उस बेहतर जिंदगी को आप नोट कीजिए, ये कॉलोनाइजेशन का नतीजा है कि उन्होंने हमारे कैलेंडर बदल दिए। जब आप लोगों के कैलेंडर बदल दिए तो आपने उनकी सब कुछ तोड़ दिया। जब आपका वक्त आपका नहीं रहा तो आपके साथ क्या साथी रहेगा, है ना। अमर साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दानिया साहब आपका भी क्वेश्चन है और आपसे पहले एक और भी क्वेश्चन है, अब मैं रुकता हूँ और अब आप लोगों के क्वेश्चंस में लेता हूँ। तो यहाँ पे आपसे पहले एक और समी साहब का भी क्वेश्चन है मेरे पास से, तो समी साहब आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद दानिया साहब। चलिए सर, आप दानिया साहब आप पूछिए, समी साहब अभी वेट कर रहे हैं। आपने अमर साहब यहाँ पे डिस्कस किया कि ये कैलेंडर जो है ये यूज हो रहा है ईरान में और अफगानिस्तान में यूज हो रहा है, और इसी को लेके वो लोग चल रहे हैं। तो आया कि अगर वो लोग ये यूज कर रहे हैं तो वो इस्लामिक त्योहार, क्योंकि इनका तो बहुत आपस में बनती भी नहीं है सऊदीया की और ईरान की, तो फिर ये वो क्यों फॉलो करना चाह रहे हैं उसे? वेरी गुड। अब देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अब ये नोट कीजिए, सऊदियों की ईरान से कभी नहीं बनती ना, क्यों नहीं बनती? क्योंकि ईरानियों को पता है कि सऊदियों ने क्या किया, ईरानियों ने अपना कैलेंडर नहीं तोड़ने दिया। अब मगर मुस्लिम कैलेंडर ईरानियों का नहीं है, मुस्लिम जो कैलेंडर है वो सऊदी चलाते हैं। ईरानियों को पता है क्या हुआ है, मगर वो कंट्रोल में नहीं है। अब नोट कीजिए, दो मुल्क जहां पे ये कैलेंडर है, अफगानिस्तान और ईरान, वेस्ट के सबसे बड़े दुश्मन है। हम समझते हैं कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया, कॉलोनाइजेशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे लिए तो वो हेडे पे है, और उनकी अभी कॉलोनाइजेशन की वॉर भी खत्म नहीं हुई है। जो जो मुल्क कॉलोनाइज नहीं हो पाते वो उनको पहले लड़ते ही रहते हैं। नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए आप, ईरान को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, जो चीजें जो उनकी नहीं मानते वो उनके दुश्मन है। ये कॉलोनाइजेशन का एक प्रोसेस है, वो रुका नहीं है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए, बरक अभी देखिए, एक मुल्क है दुनिया में जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो डीकॉलोनाइज हुआ है, हम लोग तो नहीं है डीकॉलोनाइज, साउथ एशिया सब कॉलोनाइज है, सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है जिसने अपने आप को डीकॉलोनाइज किया है, वो कौन? वो चाइना। याद है आपको कल्चरल रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन का मकसद क्या था? गोरों की सोच को निकाल के फेंक दो बाहर, उनके जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं जाके दरख लगाएं, खेतों में काम करें,
फालतू की बातें नहीं करें, आपको बातें करने से नहीं मुराद आपको काम करना है, काम करके दिखा सकते हो तो दिखाओ वरना बातें बंद करो। ये था कल्चरल रेवोल्यूशन ना, कर दिया माओ ने, बंद कर दिया लोगों को, एकेडेमिक्स को। कौन थे एकेडेमिक्स? सारे वेस्टर्न ट्रेंड और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स। उसके सर यहाँ पे आपकी बात हम मान लेते हैं, एक सॉरी आपको दरमियान में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी यहाँ पे बात हम मान लेते हैं कि इस्लामिक लंडर जो है वो सऊदीया रन कर रहा है, उसे लेके चल रहा है। यहाँ पे ईरान की और जब हम इसकी बात करें, आपने कहा कि वो कॉलोनाइज नहीं है तो इसकी इस वजह से इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे और मुतवातर जंग में है अफगानिस्तान और ईरान। यहाँ पे 10 मिनट की इफ्तारी, जब हम इफ्तार करते हैं ना, 10 मिनट की इफ्तारी का मसला बन जाता है। देखिए तो वो 1 मिनट सुनने पहले काइंडली जी, वो लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन लोगों ने उनका कैलेंडर कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ईरानियों ने उनका कैलेंडर नहीं एक्सेप्ट किया, आप गलत समझ रहे हैं। ईरान का ईरान के बाद ईरान ने जलाली कैलेंडर मेंटेन किया। ईरान ने हमारे साथ रख रहे हैं, हज हमारे साथ कर रहे हैं। सॉरी, आप ये देखिए, देखिए अगर आप ईरान के कैलेंडर को देखेंगे ना, तो ईरान के अभी जो नवरोज होता है और उनके जो त्यौहार ईरानियन पर्शियन त्यौहार होते हैं, वो सब उनके कैलेंडर से होते हैं। ऑब्वियसली हज वगैरह नहीं कर पाते वो, इन्होंने अपने महीनों के नाम भी बदल लिए। उसके बाद 1920 में ईरान वालों ने अपने महीनों के नाम बदल लिए, क्योंकि वो नाम जो है रमजान वगैरह वो अरबियों ने ले लिए और वो सऊदी कंट्रोल करते हैं। वो सऊदियों का और पर्शियन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत पुराना इसलिए है। ठीक है, इसमें बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, आपकी मैं बात एग्री करता हूँ। और उसके मगर ये देखिए ना, आप जो कह रहे हैं इसके रिपरकशंस यहाँ तक हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हम लोग तो कौन किस तरह हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है, इस पर लड़ाई करते हैं। बिल्कुल, ये भी नहीं देखते कि भाई लड़ाई, नमाज तो पढ़ रहा है, इस बातों पर लड़ाई। देखिए ये देखिए स्ट्रक्चरल डिविजन्स, ये स्ट्रक्चरल डिविजन जो होते हैं ना, स्ट्रक्चरल डिविजन एक वेस्टर्न एकेडेमिक ओरिएंटेशन का एक बिल्कुल इनहेरेंट कॉम्पोनेंट है, क्योंकि वेस्टर्न एकेडेमिया स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस से बगैर चली नहीं सकती। वेस्टर्न एकेडेमिया में दो तरह की टैक्सोनॉमी होती है मेजर। एक टैक्सोनॉमी होती है जीनियोलॉजिकल, यानी कि रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, यानी कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि इंडियन जो हिंदी जो है, उर्दू है, वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है और इंडो आर्यन लैंग्वेज ये लैंग्वेज है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये लैंग्वेज फैमिलीज, लैंग्वेज फैमिलीज मतलब जीनियोलॉजिकल रिलेशनशिप। दूसरी होती है स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर्स हैं लैंग्वेज के, ये SVO लैंग्वेज है, ये SOV लैंग्वेज है, ये प्रो एक्स लैंग्वेज है, ये प्रो वाई लैंग्वेज है वगैरह वगैरह। कैटेगरीज मुख्तलिफ कैटेगरीज मुख्तलिफ लोगों ने बनाई, उस पर डिवाइड करते हैं। मगर ये देखिए सारी नॉन मटीरियल है, कहीं इसमें मटीरियलिटी नहीं है, सबका सब नॉन मटीरियल जो। और ये जो थ्योरीज हैं इस तरह की लैंग्वेजेस को इससे डिवाइड करते हैं, ये क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन का तरीका है। चीजों को जीनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज कर दो या स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज कर दो। आप साइंस में भी देखिए, बॉटनी के अंदर देखिए, स्पीशीज की एवोल्यूशन में देखिए जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप, या फिर अगर आप मुख्तलिफ परिंदों को कैटेगराइज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल पैसरीन्स और नॉन पैसरीन्स, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पैटर्न्स या फिर आपके पैटर्न्स आते हैं जीनियोलॉजिकल, ये दो सिस्टम से बेसिकली। ठीक है, आप दानियाल आपने भेजा है नौरोज के, देखिए ये वेस्टर्न कैलेंडर से सिंक्रोनाइज तो ऑब्वियसली नहीं है ना, मगर आप ये नोट कर रहे हैं कि मौसम हमेशा जुड़ा हुआ है, मौसम हमेशा जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों एक्यूरेट, क्योंकि ये 16 कैलेंडर है, इसमें एक्यूरेसी बहुत, एक्चुअली नौरोज ईरानी कैलेंडर वेस्टर्न कैलेंडर से ज्यादा एक्यूरेट है। सऊदियों का कैलेंडर तो बिल्कुल बेकार है, ये तो हमको तबाह कर देता है, मगर ऑब्वियसली चूंकि उनके पास कंट्रोल चला गया, इस्लाम को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो अब गार्जियन इस्लाम के, हम आप कुछ कहने वाले हैं ही नहीं। पहली बात तो मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं मुल्ला नहीं हूं, मैं इमाम नहीं हूं, मैं कुछ कह नहीं सकता किसी के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को लिटरेसी से जोड़ दिया। तो अगर आपको अरबिक की लिटरेसी और आपके पास ये लिटरेसी और ये लिटरेसी और ये लिटरेसी है, तो आप मुल्ला हाफिज बन सकते हैं और ये मुल्ला बन सकते हैं और इमाम बन सकते हैं। ये इन्होंने इसको कैटेगराइज किया वेस्टर्न नोशन से, लिटरेसी से। लिटरेसी तो वेस्टर्न नोशन है, हमारे यहाँ तो लिटरेसी नहीं थी इस तरह की। ये नहीं कि साउथ एशिया में लिटरेसी नहीं थी, साउथ एशिया में बहुत तरह की डिफरेंट राइटिंग सिस्टम थे,
हिस्टोरिकली, और वो राइटिंग सिस्टम्स हमारे का हम लोग इस्तेमाल करते थे मगर एजुकेशन के लिए नहीं करते थे। ये नहीं कि हर कोई बच्चा पढ़े इस तरह पढ़ो रट्टा मारो रट्टा मारो, हमारी ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन था कि लोगों के आप बेसिकली उनकी इंटरेस्ट बेस्ड, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट एक काम में तो आप उस्ताद के पास जाएंगे, उस्ताद आपको सिखाएगा, यानी कि अप्रेंटिसशिप मॉडल। हमारे एजुकेशन का मॉडल साउथ एशिया में अप्रेंटिसशिप मॉडल था, अभी भी आपको नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक इंडस्ट्री में उस्ताद होते हैं, अभी भी आपको नजर आता है, वो ट्रेडिशन अभी भी कायम है कहीं कहीं, मगर ओवरऑल टूट गए क्योंकि हमारे उन एजुकेशनल सिस्टम्स को चेंज करके उन्होंने ये लिटरेसी बेस्ड लेकर आए सिस्टम्स। जब लिटरेसी बेस्ड सिस्टम लाते हैं ना आप, तो मसला ये होता है कि लिटरेसी के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जो ओरेसी के अंदर होती है। ठीक है, अब वापस जाते हैं जरा हम इस ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी था, मैं जरा क्वेश्चन देख लूं आप लोगों का, फिर मैं जवाब देता हूँ। समी ने कहा माय क्वेश्चन, शुडंट वी चेंज अवर व्यू ऑफ हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इट फॉर कंट्री इन्फॉर्मेशन फिलोसफी, व्हाई शुड वी कीप हिस्ट्री प्रिस्टीन एंड इन टच। देखिए अभी हम लोग समी जो बात कर रहे हैं, हिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डोंट वरी अबाउट स्टडीइंग हिस्ट्री, हिस्ट्री डजंट एग्जिस्ट, नथिंग दैट इज नॉन मटीरियल एग्जिस्ट्स, ओनली थिंग्स दैट आर मटीरियल आर इन एग्जिस्टेंस फॉर अस, इंक्लूडिंग अवर नोशन ऑफ टाइम, ओनली प्रेजेंट इज वॉट मैटर्स। आप लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये मटेरियलिटी है प्रेजेंस की। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग तो होगी, लोग देखेंगे भी, आपको पता था कि आप थे मगर आप हैं नहीं, आप थे, जैसे ही थे हो गए तो वो मटेरियलिटी खत्म हो गई, और होंगे तो कुछ पता ही नहीं, वो तो है ही नहीं मटेरियल, हमें पता है। तो मटेरियलिटी हमेशा प्रेजेंट में। अब देखिए ये चीजें इन्होंने क्या किया, साइट को साउंड को तोड़ तोड़ के हमारे कैसे तोड़ देखा, हमारी लैंग्वेजेस को किस तरह डिवाइड किया, हमको स्क्रिप्ट से कैसे तोड़ा, हमको उन्होंने डिफरेंट हमारे जो बेसिकली इस्लाम तो बहुत पहले आ चुका था क्योंकि वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग सिस्टम था, ट्रेडिंग सिस्टम्स तो बहुत क्विक होते हैं, उनमें टाइम नहीं लगता ट्रांसमिट होते हैं। ट्रेडिंग जो अगर मैं कहूँ कि मैं ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ तो वो पूरी दुनिया में चार दिन में चल पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम से बहुत जल्दी, और खासतौर पर ईमानदारी वाले, मगर जो बाकी चीजें होती हैं वो इस तरह नहीं होती। तो ये सारी चीजों का हमको देखना पड़ता है, तो हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हिस्ट्री सब झूठ देते हैं। तो हिस्ट्री जो है अगर आपको समझना है तो आपको मटेरियल बेसिस पे जाने की जरूरत है, यानी कि जियोग्राफी पे जाइए, क्लाइमेट पे जाइए, सीजन पे जाइए। Sure. At this point, I would like to add that, so if we say that history being a non-material thing, it doesn't even exist. So don't you think that it's sort of a historical approach that is leading us to a flat, depthless present, and that can result in identity crisis? Dekhi, history doesn't exist. It doesn't mean that history didn't happen. Material time mein to cheeze honi thi na. We are not saying that material time mein cheeze nahi honi thi. मेटीरियल टाइम में तो चीज हुई थी, मगर मेटीरियल टाइम में जो चीज हुई थी वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। नाउ ठीक है, तो उसके सिर्फ इंटरप्रिटेशन है मल्टीपल, और मल्टीपल रेंडिशंस और मल्टीपल वर्जन्स। तो अगर आपको उन वर्जन्स को मिलेंगे तो आपको वर्जन्स को देखना पड़ेगा कि वो वर्जन्स जो है उनकी एविडेंस कहाँ पे है, क्या उनकी एविडेंस डिस्कर्सिव है यानी कि सिर्फ बातों में है और सोचों में है, या उनकी एविडेंस मटीरियल है यानी कि जियोग्राफिकल है, क्लाइमेट के अंदर है, ह्यूमन कंडीशन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल रमजान का ट्रेडिशन क्यों आया, रमजान भी प्री इस्लामिक है, रोजा का नोशन प्री इस्लामिक है, ऑब्वियसली मुसलमानों ने उसे एक शेप दिया, वो क्यों था। अब ये नोट कीजिए, कैलेंडर से हमें बता दी ना, कैलेंडर में रमजान हमेशा दिसंबर में आता था, तो इससे आप ये तो समझ गए कि मौसम अच्छा होता था। अब आपको मैं और दो तीन चार बातें बताऊंगा, देखिए मटेरियल सारी ह्यूमन कंडीशन। आप ये देखिए, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर आपने काश्त तो कुछ की नहीं होगी, तो आपके पास जो भी खाना अनाज रखा हुआ है बचा हुआ है वो पिछले साल का होगा, पिछले साल जो हज के जमाने में स्प्रिंग अच्छा मौसम था उस जमाने में आपने लिया के जमा किया था, पिछले हज से जो सारे ट्रेडिंग पे सब लोग लेने ट्रेडिंग की थी, सबके पास चीजें जमा हुई थी, अब वो उसी स्टॉक्स पे चलेंगे। अब जब आप मार्च से लेकर दिसंबर तक आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक्स कम होना शुरू होंगे,
डिप्लीट होंगे. जब आपके पास स्टॉक्स कम हो, फॉर एग्जांपल आपके पास आपका आपके खानदान है मगर आपके पास अब खाना कम है, अब आपको राशन करना पड़ेगा ना, आप कैसे राशन करेंगे? आप कहेंगे देखो भाई बच्चों को तो पूरा खाना मिलना चाहिए, बुढ़ों को बीमारों को पूरा खाना मिलना चाहिए, तंदुरुस्त, ठीक है, जो लोग तंदुरुस्त हैं उनमें राशन करो. तो राशन ये कि सुबह कुछ खाओ और शाम को कुछ खाओ, बीच में कुछ नहीं खाओ. देखिए ये सेंस बना ना, अब आपको देखिए लॉजिक समझ में आ गई, ये इंसानी लॉजिक है ना, आप भी करेंगे मैं भी यही करूंगा. देखिए रिलीजन की जहां पे आपको कुछ समझ में आती है ना चीज, वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर बेस्ड होना चाहिए, मटेरियल और नॉन मटेरियल के जंक्शन पे. जहां से आपने वो जंक्शन छोड़ा और आप नॉन मटेरियल के अंदर चले गए, बातों के अंदर, बातों के अंदर, बातों के अंदर, तो बेसिकली आपने जब वो लिंक छोड़ दिया तो बातों के अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है, बातें तो कहां से कहां चली जाती है. ठीक है, आपको मटेरियल ही चीज देखना है हमेशा, मटेरियल और नॉन मटेरियल के जंक्शन पे. भाई मौसम ऐसा था, लोगों ने इतना खाना खत्म जमा किया, अब खत्म हो रहा होगा तो ऑब्वियसली अब लोगों को सबको, अगर हम सबको इक्वल खाना देंगे तो सब लोग मर जाएंगे, खाना खत्म हो जाएगा, सबको नहीं मिलेगा. अब ताकत वाला सारे खाने ले रहे हैं तो कमजोर क्या खाएगा? तो ये करो कि इस तरह निजाम बनाओ कि बच्चों को सब खाना मिले, बुढ़ों को मिले, बीमारों को मिले, बाकी हम लोग बांट लेते हैं. देखिए ये इस तरह खाना बच गया, हम लोगों ने जो मुश्किल वक्त था हमारा, जब हमारे पास स्टॉक्स कम थे, हमारे पास सप्लाईज कम थी, हमने अपना गुजारा कर लिया. अब अगला बारिशों का मौसम आ रहा है, अब उसके बाद काश्त होगी, फिर हम लोगों के पास हज होगा, फिर हमारे पास अच्छा गंदम अच्छी प्रॉस्पेरिटी होगी. अभी बता सब गुजार लो. देखिए ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है. अब ये ह्यूमन एक्सपीरियंस जो एक जंक्चर मटेरियल और नॉन मटेरियल के जंक्चर पे था, उसको प्योरली सिमियोटिक्स पे ले गए, वो प्योरली लफ्ज़बाज़ी पे ले गए और प्योरली उसे लिंक कर दिया लिटरेसी से. और लिटरेसी जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो तो साइट है, वो ऐसी साइट जिसको तो आप देख भी नहीं सकते, यानी कि एक साइट ऐसी जो आप देख सकते हैं, एक साइट ऐसी जो आपको पढ़कर कहीं और ले जाए, ऐसी दुनिया में जहां पे मैं आपको कुछ चेक ही नहीं कर सकता, हर किसी की वो दुनिया मुख्तलिफ है. तो देखिए ये इन्होंने काम किया. अब अगेन आपको ये सारी चीजें सोचना पड़ेगी कि मटेरियल रियलिटी क्या है. फॉर एग्जांपल 11वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, 12वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो कुरान की मल्टीपल कॉपीज नहीं हुआ करती थी जो हर कोई के पास एक स्टेप एक स्टैंडर्ड कॉपी होती थी. अगर आप इसकी हिस्टोरिकल एनालिसिस करना शुरू करें, जो मैं कर चुका हूं, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से होता है, मगर मैं आप लोगों से सबसे कहूंगा कि करें हिस्टोरिकल टेक्स्ट एनालिसिस करें कुरान का, कुरान की टेक्स्टुअल हिस्ट्री देखें, इंटरप्रेटिव हिस्ट्रीज नहीं कि कौन मौलवी किसने कहा क्या क्या क्या, नहीं, उसका टेक्स्ट जो था ऐसा. आप लोग लिंग्विस्ट जो हैं, लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग मटीरियलिटी को देखिए, टेक्स्ट मटीरियल टेक्स्ट दिखाओ मुझे कि कुरान का पहला टेक्स्ट ऐसा था, कैसे लिखा गया था, दूसरा कैसे लिखा गया था, यहां क्या लिखा गया था, ये कौन सी स्लेट थी, इस स्लेट पे ये क्या लिखा गया था, इस स्लेट पे अगर हम पीछे देखें तो कुछ और लिखा हुआ, वो क्या लिखा था, तब्दील क्यों हुआ. ये सारे सवाल आपके पास जब आएंगे ना, जब आपके पास एक्सेस होगा मटेरियल का, जब आपके पास एक्सेस होगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, तो आप इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. तो हमको ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लाना है, हमको सारी चीजें करना है, हमको सारे बेसिकली, जैसे मैं इस ऐसे में मैंने शुरू में कहा, हमको रीथिंक एवरीथिंग. कोई चीज पे भरोसा नहीं करें, कोई चीज भरोसे के काबिल नहीं है. हमारे अपने जो लोग कहते हैं हमसे, उसको भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी नहीं पता. ये नहीं कि वो हमको झूठ बोल रहे हैं, कि उनको भी नहीं पता है. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रीथिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी नो, अस्यूम एंड और बिलीव अबाउट आवरसेल्व्स एंड अवर हिस्ट्रीज. और उसके लिए वी हैव टू रीअलाइन अवर मटीरियल एंड सोशियो सिमियोटिक सेंसेस. जैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, मटीरियल नॉन मटीरियल, उनको हमको देख के चलना पड़ेगा. ये मुश्किल काम है और ये हर किसी के बस का नहीं है, मगर इसको हमको बना के समझ के रहना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, फिर इसके साथ हमको स्टेप्स लेना पड़ेंगे छोटे छोटे, जिससे हम अपने जो है मोहल्ले हैं, अपने लोग हैं, अपनी कम्युनिटीज हैं, उनको उनमें लड़ाइयाँ कम करें, उनमें डिविजन्स कम करें, उनके बताएं भाई ये एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट ही हमारा नहीं था, ये लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ही हमारा नहीं था, इस पर लड़के आ रहे हो भाई,
अब देखें ना ना आज से 200 साल पहले ना पंजाबी एक जबान थी, ना सराइकी थी, ना सिंधी थी, इनको ही लैंग्वेजेस के नाम नहीं थे। पिछले 200 साल में सिर्फ ये नहीं कि वो लैंग्वेजेस के नाम बन गए, बल्कि उन लैंग्वेजेस के बेसिस पे लोग लड़ते भी हैं। सराइकी कहते हैं हमको अलग सूबा दे दो, सराइकी तो लैंग्वेज ही नहीं थी आज से 50 साल पहले, एक नई लैंग्वेज बन गई, उसकी एक नई आइडेंटिटी बन गई। ऑब्वियसली जब आपके रिसोर्सेज कम हो, जब आप लोग गरीब हो और आपके पास चीजें कम हो, तो आपको और आपके अंदर तोड़ हो, तो आपको ये नजर आएगा मेरे पास तो नहीं है उसके पास है, मेरे पास तो नहीं है उसके पास है, चाहे किसी के पास भी नहीं। मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, आप लोग जो पाकिस्तान को जानते हैं तो आपको पता होगा कराची की क्या पॉलिटिक्स थे और MQM की क्या पॉलिटिक्स थे, और मैं कभी समझ में नहीं आता कैसे पॉलिटिक्स चलते। अब लोग कहते हैं कि पंजाबी ऐसे बड़े अच्छा अपने कर लिया, मैंने कहा कैसे अच्छा कर लिया, तो ये बताओ लाहौर तो दुनिया का सबसे पॉलिटिक शहर है। अगर देखिए हमारे यहाँ मसला ये है कि हम समझते हैं कुछ लोगों को बेहतर कर लिया, कोई हमारे यहाँ कोई बेहतर से बेहतर भी कर ले तो कोई अच्छा नहीं होता। आपके पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर सबसे अमीर आदमी ले लीजिए, मगर उसी गंदी हवा में रहता है, उसी गंदी हवा की सांस लेता है, वही पानी में है, उसी माहौल में है, उसी ट्रैफिक पे फंसता है, उन्हीं रोड के खड्डों में रहता है। तो कौन अमीर है कौन गरीब है, ये डिस्टिंक्शंस की इंपॉर्टेंस, ये सोशल देखिए ये डिस्टिंक्शंस भी नॉन मटेरियल है। ये देखिए कंटिन्यूअसली ये जो है ना डिविजन्स ये जो है ये सोशियोसिमेटिक वेपन्स हैं। सोशियोसिमेटिक वेपन्स यानी कि हमारी सोच इस तरह चलती है कि हम लोगों को डिवाइड करते हैं, हम चीजों को डिवाइड करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी से होती है और इंग्लिश एकेडमिया में होते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो टूटते चले जाते हैं, जितने टूटते चले जाते हैं उतने कमजोर हो जाते हैं, जितने कमजोर हो जाते हैं उतने ही आसान है हमको पीसना और हमको पीछे रखना। देख लीजिए हम लोग एक और क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा टाइम। बिल्कुल 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 दानिया साहब, क्वेश्चन ये है कि ये जो जलाली कैलेंडर है इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड सर इसका थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कन्वे कर दें। तो ये उमर कयाम ने बनाया था, आप इसको देखिए उमर कयाम ने कब तक कब बनाया था। देखिए 1096 में ये अडॉप्ट हो गया था, 1096 के अंदर ये इस्लामिक वर्ल्ड में अडॉप्ट हो चुका था एज अ मुस्लिम कैलेंडर। आप ये करिए कि आप जो है उमर खय्याम को सर्च कीजिए और उमर खय्याम की उन्हें मैंने देखा है, मैंने थोड़ी सी चीजों को ना मैनिपुलेट अपने अंदाज में करने की कोशिश की है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि ये मतलब के 10-11वीं सदी में जाके ये बना इन्वेंट हुआ है या मुस्लिम्स ने इसे अडॉप्ट किया। बिल्कुल उमर खय्याम को, इससे पहले तो मुस्लिम्स में हिजरी कैलेंडर चलता था जी, हिजरी अभी भी चलती थी, हिजरी लूनी हिजरी जलाली में भी चलती थी। देखिए हिजरी तो मेजरमेंट है कि कब से कैलेंडर शुरू हुआ ना। बिल्कुल वो तो बिल्कुल, वो जो जलाली कैलेंडर वो भी हिजरी चलाता था। सही बिल्कुल। और दूसरा आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जितनी भी हिस्ट्री है इसे मटेरियलिस्टिक नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो हम अभी जिस चीज पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये हमारा मटेरियल से रिलेटेड है, हिस्ट्री तो जारी सी बात है इंटरप्रिटेशन है लोगों की मुख्तलिफ वे में जी। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि कोई हमारे पास लॉजिकल कोई सोर्स हो इंफॉर्मेशन का, वो जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास है जो हमें बिल्कुल सही है। मुसलमान अभी जिस चीजों पे बेस करते हैं ना वो शायद अहदीस की कुतुब है, साहे सित्ता कहा जाता है उन्हें, और उस पे वो उनका बड़ा बिलीव है। इवन के वो चाहे ईरान में रहते हों, अफगानिस्तान में हों या रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड में रहते हों, वो उसी पे बिलीव करते हैं सर, ऐसे ही है। तो इसको आप इस तरह देखिए कि जो बिलीफ जो कहते हैं ना, हम जब बिलीव करते हैं, बिलीफ जो है वो एक नॉन मटेरियल है। आपको बिलीफ जो है, आपको बिलीफ का सिर्फ इम्पोर्टेंस ही नॉन मटेरियल वर्ल्ड में होती है। सही, मटेरियल वर्ल्ड में बिलीफ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बिलीव्स जो है ना, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैंने इसको मान लिया और उसने उसको मान लिया, मगर ये सारी नॉन मटेरियल है। अगर आपकी नॉन मटेरियल के अंदर एविडेंस नहीं है कोई मटेरियल, तो इसके ऐसे इंटरप्रिटेशंस को मानना मुश्किल हो जाता है। तो आपको एविडेंस हमेशा हमेशा एविडेंस जो है वो मटेरियल दीजिए, आप मटेरियल एविडेंस के ऊपर बेस कीजिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल जो मुझे नहीं पता ये कौन सी टेक्स्ट हैं, ऑब्वियसली मुझे मैं इसको खुद मैं भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो लिमिटेशंस आपके हैं वो मेरे भी हैं, हमारे पास एक्सेस नहीं है टेक्स्ट का,
हमारे पास हमें ये भी नहीं पता कौन से टेक्स्ट हैं कौन से नहीं है, हमें ये भी नहीं पता हदीसों की जो असली किताबें हैं वो किधर है, थी है किधर है भी कि नहीं है, और अगर है तो किधर है, हमने तो सिर्फ प्रिंट्स में देखी है, कॉपी से है ना, प्रिंट मास प्रोड्यूस्ड मास प्रोड्यूस्ड। अभी आपकी पहले क्वेश्चन से लेके जो मेरा पहला क्वेश्चन था उससे लेके अभी तक जो मैंने फाइंड आउट करने की, जारी सी बात है हम ऑनलाइन बच्चे हैं सारे, जी जी जी, तो हमने मैंने जो अभी फाइंड आउट किया ना कि जलाली कैलेंडर जो है वो 11वीं सेंचुरी में आ रहा है, और जो हमारे पास हिजरी कैलेंडर जो मुसलमान उसे लेके चल रहे हैं या जिस बंदे ने जिन्होंने लिखी सही मुस्लिम लिखी उनके हदीस 25-25 से लेके 25-27 तक वो बयान करते हैं, उसे उनका बयान करने का कोई तरीका इस तरह है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ शायद वो हमारे लिए यूजफुल हो। उन्होंने ना वहाँ पे रेफरेंस दिए हैं मुख्तलिफ, जैसे मोहम्मद बिन बशर, इस्माइल बिन अबी खालिद, मोहम्मद बिन सईद, हजरत साल बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारा और फरमाया कि महीना इस तरह है और इस तरह होता है, फिर आप ने तीसरी मरतबा एक उंगली को कम फरमा ली। ये हदीस 25-25 का जो है वो मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको हदीस 25-26 पढ़ देता हूँ, शायद वो हमारी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए हो जाए। उसमें ये है कि फरमाया जायद इस्माइल हजरत मोहम्मद बिन साद अपने बाप से रवायत कर फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारत फरमाया कि महीना इस तरह है और इस तरह है और इस तरह होता है 10 और 10 और 9 मरतबा, और ये लास्ट इसी को जो रेफरेंस वो करते हैं वो फिर इसे कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक इस्मा बिन इस्माइल बिन अबी खालिद इस सनद के साथ ये रवायत भी इसी तरह नकल की गई है। ये सारा उसका था, क्योंकि जिस बंदे ने सही मुस्लिम को लिखा है उनकी अगर हम थोड़ा सा उनको देखें कि उन्होंने ये कब पेश किया, तो वो इनका आ जाता है 9वीं सेंचुरी में, मतलब कि जलाली कैलेंडर तो इन्वेंट हुआ जाके 11वीं सेंचुरी में, और जबकि ये जिन्होंने हदीस लिखी उन्होंने 9वीं सेंचुरी में ये चीज़ लिखी, मतलब कि वो और भी उससे अगर हम दोनों हिस्ट्री को, हमारे पास ना ही तो हमारे पास जलाली साहब की हिस्ट्री है ना ही हमारे पास जलाली साहब नहीं थे भाई, जलाली कैलेंडर है। देखिए जलाली कैलेंडर की कोई इसमें कोई साहब नहीं थे, कोई इस पर कोई सोच नहीं है। जलाली कैलेंडर एक फैक्चुअल कैलेंडर है जो ईरान में और अफगानिस्तान में अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कोई इसमें ये नहीं सोचने की बात कि था कि नहीं था, ये एक फैक्ट है और ये भी एक फैक्ट है कि ये चेंज हुआ है। ठीक है, अब जलाली कैलेंडर भी हिजरी में था, जो आप हिजरी कहते हैं ना, हिजरी तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है कैलेंडर की, हिजरत से इस्लाम का कैलेंडर शुरू होता है। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, जलाली जो है वो हिजरी को क्वेश्चन नहीं करता है, वो तो महीनों को नापने का तरीका है, वो तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, वो तो मैथमेटिकल है, तो ऑब्वियसली जो 900 साल में जो मुसलमानों के उस जमाने पे साइंस थी वो तो नहीं स्ट्रॉन्ग थी, मैथ्स की जो थी उमर खय्याम की थी, तो उमर खय्याम के जमाने की मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, अब अलजेब्रा डेवलप हो चुका था और बहुत सारी चीजें, आप अगेन अगेन अब उमर खय्याम की मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर गौर कीजिए। तो ये जो है ये मटीरियल फैक्ट्स है ना, इनको हम कोई बहस नहीं करने की नहीं पड़ती। अब आप जब कहेंगे देखो सही बुखारी में ये कहा है और उसमें ये कहा है और उसने ये कहा है और उसमें एक आदमी ने ये कहा है, अब कहाँ गया आप, नॉन मटीरियल बेस्ड पॉइंट्स पे गए जिधर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है, क्योंकि वो मटीरियल नहीं है, वो मुख्तलिफ सोचे हैं और उन मुख्तलिफ सोचों में फिर आपने कहा इसने ये कहा और उसने ये कहा और ये कह रहा है, अब ये सही है क्या वो सही है। देखिए आप इस चारों में पढ़ जाते हैं, ये हम ये नॉर्मल स्ट्रेटजी है हमारे एकेडमिक डिस्कोर्सेस में भी, हम लोग इस तरह के रेफरेंसेस में और डिस्कोर्सेस में और आर्ग्यूमेंटेशन में फंस जाते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपको इन सोचों के ऊपर और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करने की जरूरत नहीं, आपको मटीरियल पे जाने की जरूरत है। ठीक है, क्यों, मटीरियल आपको पता है, फैक्ट है। अभी हमें नहीं पता कौन सी किताब किसने लिखी, किधर शाई हुई, किसने उसे चेंज किया, किस पब्लिशर ने क्या किया, हमें क्या पता। जब हमारा कैलेंडर बदल गया तो बाकी क्या बदल नहीं सकता भाई। सही, सही कह रहे हैं आप। तो हमको कोई सच नहीं, उसमें हमको कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीजें हमको मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई थी। लिटरेसी से हमको मैनिपुलेट किया जाता है, अभी तक किया जाता है। हम ये समझते हैं कि जिस लैंग्वेज में लिटरेसी नहीं है वो लैंग्वेज ही नहीं है। भाई अगर जो लैंग्वेज नहीं है तो फिर बच्चे कैसे बोलते हैं, बड़े कैसे बोलते हैं, बड़े बच्चे कैसे सीखते हैं, सिर्फ बोली है, बोली में भी लोग सीख जाते हैं।
आपको लिखना नहीं आता हो तो भी आप समझ जाते हैं। हमारी हमारी सोच इन्होंने इसमें डाल दी कि जो आदमी लिटरेट नहीं है वो जाहिल है, तो मैं आपकी सोच ऐसे से निकालना चाहता हूँ। लिटरेसी की इंपॉर्टेंस नहीं है, लैंग्वेज तो बोली है। तो देखिए ये हमसे मल्टीपल झूठ है इस तरह के ना हमारे एकेडेमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। इसलिए तो मैंने इस अपने जो काम के अंदर मेरा पहला जो आर्टिकल था वो उसमें से दूसरा आर्टिकल था वो था उसका नाम है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इज नॉनसेंसिकल। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स नॉनसेंसिकल। अब ये सोचिए कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं खुद ये आर्टिकल लिख रहा हूँ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इज नॉनसेंसिकल। तो सबसे पहले तो मुझे आपको समझो कि इससे निकालना है कि ये जो लिंग्विस्टिक्स है ना जिसपे हमको रुझाया हुआ है ये झूठ है। आप फंडामेंटल इश्यूज के अंदर आप एविडेंस पे जाएं तो कहीं एविडेंस नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज और डायलेक्टिक डिस्टिंक्शन हैं वो जो ये कहते हैं अपनी तरफ से जो हमारे ऊपर लापिस करते हैं वो नाफिस करते हैं वो कुछ और है। तो अपने लिए कुछ दूसरों के लिए कुछ और, तो ऐसे कैसे लिंग्विस्टिक्स हो सकती है भाई? साइंस तो एक ही होती है हमेशा। यानी कि जो मैं आपसे आज आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ आज से 6 महीने पहले भी कर रहा था, आज से 1 साल पहले जो मैंने आर्टिकल लिखा वो भी आज वाली बात को रिपीट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है? क्योंकि वो एक एविडेंस पे बेस्ड है, मटेरियल एविडेंस को डिनाई मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ मैप को? ऐसा तो नहीं कि कल मैप बदल जाएगा मेरी सोच बदल जाएगी, मगर अगर मेरी सिर्फ सोच इस पे पढ़ने पे और उसके पढ़ने पे और उसके पढ़ने पे हो और मटेरियल मैप के ऊपर नहीं हो तो मेरी सोच इधर से उधर फ्लैक्चुएट होती रहती है। आप ये नोट करेंगे लोगों के अंदर कि लोग उनकी सोचें बड़ी आराम से फ्लैक्चुएट होती रहती है। वो क्यों? क्योंकि उनकी सोच का कोई एंकर पॉइंट जो है वो मटेरियलिटी नहीं है, उनके सोच के एंकर पॉइंट्स दूसरी सोचें हैं। तो आप एक सोच से दूसरी सोच जोड़ें और दूसरी सोच से तीसरी सोच जोड़ें तो आपकी इमारत कितनी मजबूत होगी भाई? तो आपको जो सोचना है उसको सोचों से सोचो नहीं जोड़ें। आप जाएं मैप को देखें, आप वेदर को देखें, आप क्लाइमेट को देखें, आप ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें। ये मैं एक आखिरी बात करता हूं और इसके बाद मैं रोक दूंगा क्योंकि खासा लंबा सेशन हो गया। ये लास्ट बात है मगर इस पे बड़ी आप लोग गौर कीजिएगा। अगेन ह्यूमन पॉपुलेशन, मैंने कहा आप ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ देखिए जो इंटरनेट पे आपने कहा ना आप लोग इंटरनेट के जनरेशन है, तो आप ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ मैप रेट ऑफ ग्रोथ को के ग्राफ्स देखिए, बहुत सारे हैं ना। आप ये नोट करेंगे कि जहां जहां पे कॉलोनाइजेशन से इनिशियल कॉन्टेक्ट हुआ कम्युनिटीज का वहां पे पॉपुलेशन ड्रॉप हुई इनिशियली, क्योंकि ऑब्वियसली जब अंग्रेजों ने आके ऑस्ट्रेलिया में अटैक किया तो लोगों को मारा, यहाँ की पॉपुलेशन कम हुई। अब अमेरिका में जाके उन्होंने लोगों को मारा, बीमारी लेके गए साउथ अमेरिका में और इनका पॉपुलेशन इनका सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया अपनी बीमारी से। इनका सिविलाइजेशन कब से चली आ रही थी? इनकी बीमारियों के लाई भी बीमारियों जो कि मटीरियल होती हैं बायोलॉजिकल होती हैं उन बीमारियों से लाके वो उन्होंने लोगों को मार दिया, तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन पॉपुलेशन कम हुई। मगर उसके बाद आप ये नोट करेंगे बहुत जल्दी वो ह्यूमन पॉपुलेशन रिकवर होती है और बल्कि रिकवरी से आगे ही चली चली जाती है। ये आप नोट करेंगे कॉलोनाइजेशन के बाद, समझिए मिडिल ऑफ कॉलोनाइजेशन अर्ली पार्ट ऑफ 20th century, लेट 1900s अर्ली 1800s, सॉरी लेट 1800s अर्ली 1900s, ये 20वीं सदी, लेट 1800s अर्ली 1900s। आप नोट करेंगे ये एरिया है लेट 1800s 1900s का जहां पे ऑपरेशन सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा ऑपरेशन था हम लोगों के ऊपर और सारी कॉलोनाइज के, और उसके अंदर आप नोट करिएगा कि पॉपुलेशन के साथ क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ क्या होता है। आप नोट करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अजीब सी बात लगती है ना आपको, जब आपकी बर्बादी हो रही है तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये कैसे हो रहा है? उसके बाद आप नोट कीजिए जब पोस्ट कॉलोनाइजेशन हो जाता है, सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं पोस्ट कॉलोनाइजेशन, मैं तो पोस्ट कॉलोनाइजेशन को मानता ही नहीं हूं, हम कॉलोनाइज्ड हैं। जब ये सो कॉल्ड पोस्ट कॉलोनाइजेशन होता है तो जो सब सो कॉल्ड पोस्ट कॉलोनाइजेशन के बाद आप देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के ग्राफ्स एक्सपोनेंशियल, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो पोस्ट कॉलोनाइजेशन के बाद एक्सपोनेंशियल है, कोई रुकाव ही नहीं है उसका। आप नोट कीजिए ये कोइंसाइड करता है ह्यूमन सफरिंग से, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आप नोट करेंगे जहां जहां ह्यूमन सफरिंग बढ़ती है ह्यूमन सप्रेशन बढ़ता है, क्या होता है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है। ऐसा क्यों है? अब नोट कीजिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरी सारी थियोराइजेशन जो होती है लोगों की सोचों से नहीं होती, इसने ये कहा उसने कहा नहीं, मैं और मोना बहुत टाइम हम लोग जंगल में रहते हैं बुश में रहते हैं
और हम लोग नेचर से देखते हैं। अब ये मैं आपको एग्जांपल एक्चुअली पाकिस्तान से देता हूँ। हम लोग जब पिछले साल अक्टूबर नवंबर में हम लोग इधर थे पेशावर के इलाके में, तो हमको वहां के दोस्त लेके गए एक वॉक पे, और वहां पे झाड़ी के अंदर बेरी थी। बहुत जमाने बाद मेरी बेरी खाई, क्या लजीज बेरी। अच्छा आपने लोगों ने देखी बेरी है ना, देखिए बेरी, बेरी का पेड़ कैसा होता है, उसमें बड़े कांटे होते हैं, कांटेदार होता है, कांटेदार होता है। अब बेर का फल जो है ना बहुत स्लोली मैच्योर होता है। क्यों होता है स्लोली मैच्योर? क्योंकि कांटे उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर टमाटर आप लगा दें ऐसे ही तो चिड़िया आके खा जाएगी, कोई जानवर आके खा जाएगा। बेरी को खाना आसानी है क्योंकि कांटे, तो वो स्लोली आराम से मैच्योर होता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर एवोल्यूशनरी प्रेशर नहीं है। उसके बरक्स आप देखिए जो हमारी जो कल्टीवेशन वाली क्रॉप्स होती हैं, वो कितनी स्पीड में राइप होती हैं, कितनी स्पीड में टमाटर फल देता है और पक जाता है, और हरी मिर्च से लाल मिर्च हो जाती है और बैंगन हो जाता है तैयार। तो ये इस तरह के फल जो है इतनी जल्दी क्यों होते हैं, और बेरी इतनी देर में क्यों होती है? अब आप नोट करिए, जहां पे उसको एवोल्यूशनरी प्रोटेक्शन था बेरी को, तो एवोल्यूशनरी प्रोटेक्शन के तहत उसने आराम से मैच्योर रही, इसलिए वो बेरी बहुत लजीज थी, बहुत लजीज थी, क्योंकि वो आराम से मैच्योर हुई थी। ये जैसे हम कहते हैं फार्म पे पकाए हुए एप्पल्स या फिर ये फार्म वाले मैंगोस या टमाटर, इनमें तो मजा नहीं आता ना, अपने देसी फार्म वाली फिश के बारे में भी हम कहते हैं वो भी मजा नहीं आता ना, टमाटर का मजा नहीं आता ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिर्फ ये केमिकल्स नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बेसिकली एग्जिस्टेंस का प्रेशर होता है, सप्रेस हो रहे होते हैं। टमाटर भी तो जिंदा चीज है ना, उस पर सप्रेशन हो रहा होता है। जब चीजों को सप्रेस करते हैं तो वो ज्यादा फल देते हैं, ज्यादा फूल देते हैं, क्योंकि उनको सीड चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जीनियोलॉजिकल जेनेटिक कंटिन्यूएशन चाहिए, उनको चाहिए कि वो उनके आगे बढ़े, उनको खतरा है अपनी एग्जिस्टेंस से, उनको खतरा है खत्म हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी करें प्रोक्रिएट। तो आप नोट करिए, इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन सप्रेशंस में सप्रेशन से बढ़ती है, इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ी हुई है इलाकों में। अब आप नोट कीजिए, जिस जिस मुल्क में सप्रेशन ज्यादा होता है उधर की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिस जिस मुल्क में सप्रेशन कम होता है उसकी पॉपुलेशन भी कम होती है। अब ये नोट कर रहे हैं ना आप सारे कोरिलेशन, ये सोच में नहीं है, ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये कोई मेरी थॉट नहीं है, ये मटेरियल एविडेंस को लेकर देख लेते हैं कि पैटर्न्स क्या हैं, वेदर के पैटर्न्स क्या हैं, मैप्स के पैटर्न क्या हैं, आबादी के ग्रोथ के पैटर्न्स क्या हैं, इस तरह की चीजों के ऊपर आप जो मटेरियल एविडेंस के ऊपर जा सकते हैं, मटेरियल एविडेंस के ऊपर बेस करें। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी ना, वो आवाज वाली मैं शेयर की थी मैसेजर पे, कि आप लोग जरा बैठे खामोशी से आंखें बंद करें और सिर्फ आवाज सुने, देखें गाड़ी कौन सी है, कौन सी मोटरसाइकिल है, आप पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते, गाड़ी आ रही है जा रही है पता है नहीं पता है, सब कुछ पता है ना। यानी कि सारी आवाज चाहे वो जबान जिसे कहते हैं हम हो या नहीं हो, सबके माइनिंग मायने होते हैं और सब मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। तो उस पूरी जो साउंड की एक जो सिस्टम है, जिसमें साउंड का सिस्टम का ऑडिटरी, यहाँ पे ये पूरा साउंड का सिस्टम हमारे लिए मीनिंगफुल है, जैसे कि साइट का है, जैसे कि स्मेल का है। सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज तो एक सबसेट है साउंड की। तो ये जो है ना, ये वेस्टर्न लिंग्विस्ट ने हमको बेवकूफ बनाया है कि लैंग्वेज जो है तो वो तो एक सबसेट है साउंड का। भाई उससे मीटिंग बनते हैं, कैसे बनते हैं भाई, जरा ऑब्जर्व करो, एविडेंस देखो, बातों पर नहीं जाओ, एविडेंस पे जाओ, देखो जरा आवाज से। तो हर तरह की आवाज से हमको मीनिंग्स बनते हैं। अभी मुझे आवाज आई, मुझे पता गया कि मोना कमरे में आई है, क्योंकि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई, मैंने देखा नहीं था, आवाज आई मुझे। आवाज कैसी आई? दरवाजा खुलने की, बंद होने की नहीं, दरवाजा खुलने की आवाज आई। तो मैंने सोचा, देखा तो मोना आ रही थी, कैसे पता चला मुझे आवाज कैसे आई, मायने मैंने कैसे निकाले, जबान से नहीं निकाले ना, मगर साउंड से निकाले। मीनिंग साउंड के अंदर होता है, मीनिंग साइट के अंदर होता है, मीनिंग स्मेल में होता है, टच में होता है, टेस्ट में होता है। लैंग्वेज तो एक सब कंपोनेंट है, और जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज बना दी हैं, और ऐसी ऐसी उन्होंने पॉलिसीज क्रिएट कर दी हैं
कि वो सारी पॉलिसीज हमको सप्रेस ही करती चली जाती है. क्यों? क्योंकि जब जब थ्योरी ही गलत हो तो उसके नतीजे कैसे सही आ सकते हैं? फिर एनोमलीज आएंगी. आप प्रिडिक्टेबली चीजों को बेहतर नहीं कर सकते. प्रिडिक्टेबली चीजें जब आप बेहतर कर सकते हैं जब आपकी बेसिस जो है मटीरियलिटी पे हो, सोचो पे नहीं हो. यानी कि अगर मैं कहूं कि आप लोग जरा स्टडी करके अपने देखें कि ये कैलेंडर जो हमारे बुजुर्ग थे उमर कयाम, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इतना अच्छा कैलेंडर हमारे लिए बनाया था तो हमने उसे क्यों छोड़ा? वापस लेकर आए भाई, उमर कयाम के कैलेंडर को वापस नाफिज करें, वो भी हिजरी कैलेंडर है. अपनी जिंदगी सही करें. आप सोचिए, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आपको बेहतर ही नहीं होगी जिंदगी अगर आपको हमेशा रोजा दिसंबर में हो? आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी ना? ये तो इस्लामी भी है. देखिए ये चीजें कहां से निकली? मटेरियल और नॉन मटेरियल के इंटरफेस. जब हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारे साथ क्या क्या नुकसान हुए हैं, किस किस तरह झूठ बोला गया है, और जिस किस तरह हमारी झूठ बोल के हमको तोड़ा गया है, और हमारी पॉलिसीज बदली गई हैं, और हमारी लिटरेसीज बदली गई हैं, और हमारी किताबें बदली गई हैं, हमारे कैलेंडर बदले गए हैं, तो अब इसको सही तो करना पड़ेगा ना हमको. अगर हम सही नहीं करेंगे तो हम कैसे सही होंगे? हमको अपने आप को सबको दुरुस्त करना है और सही रास्ते पे आना है. सही रास्ता बेसिकली ईमानदारी का है. ईमानदारी, अगर आपकी ईमानदारी में कमी है तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े फिलोसोफर हो या कितने बड़े आप साइंटिस्ट हो. आपकी ईमानदारी कम है तो ईमानदारी है तो बेईमानी है. नोट करिए अगेन, ईमानदारी बेईमानी में मजहब नहीं होता है. हिंदू मुसलमान नहीं होता है ईमानदारी बेईमानी में, सिर्फ ईमानदारी और बेईमानी होती है. तो जब हम ईमानदारी का काम करेंगे ना तो ईमानदारी के जो फायदे होते हैं वो भी हमको मिलेंगे. और ईमानदारी क्या होती है? ये मुल्ला तो इसको लिमिट करते हैं. अगर आप आजकल की किताब पढ़ें इस्लामियात की, अब नोट करिए, मेरे वालदेन ने इस्लामियात कभी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने दीनियात पढ़ी थी. पाकिस्तान में दीनियात पढ़ाई जाती थी, उसको चेंज करके इस्लामियात बना दिया. ये सोशियो सीमियोटिक वायलेंस है. जब एक चीज आपने चेंज कर दी तो उसके इम्पैक्ट भी तो होंगे ना. जब आप लोगों की सोच बदल देते हैं तो लोग जो काम करेंगे उसके बाद वो भी बदलेंगे. तो ये सारी सर इकट्ठा करते हैं. मेरा सवाल है जी फहीम भाई, जिसमें शायद हम किसी कंक्लूजन की तरफ भी आप शायद चले जाएंगे सर. जी 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 बिल्कुल सर. अभी आप हमें कह रहे थे कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो ईस्ट हम पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में तो ले आएंगे, लेकिन इस्लाम जो कि एक यूनिवर्सल रिलीजन है और ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक प्रैक्टिस होता है, तो वेदर की बहुत ज्यादा क्लाइमेट क्लाइम की वेरिएशन है. बिल्कुल. तो उस चीज को मतलब मेरा सवाल आप समझ चुके हैं. मुसलमान के लिए तो जहाँ तक आपकी बात है कि आप जो मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जब हम अपने कैलेंडर सुधारेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई साहब. देखिए पहले तो नॉन मटेरियल ने हमें सॉरी फहीम आपकी मैंने बात काटी सॉरी. तो मैं कह रहा था कि जी 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 सर, मटेरियल से डेफिनेटली कि हम अगर मटेरियल चीजों पर या मटेरियल जो आप कह रहे हैं उससे हम अपनी बहुत सी इल्यूजंस और जो डिल्यूजंस से हम निकल सकते हैं उसमें. जो शराब हमें चीजें नजर आती हैं जिसकी वजह से फसाद भी पैदा होते हैं, वो ज्यादातर तो आइडियोलॉजिकल प्लेन पे हैं, या जैसे मतलब हमने उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करके इंटरनलाइज करके हेजेमनी जैसे है कि वो आइडियाज हैं और वो नॉन मटेरियल हैं. तो हमें नॉन मटेरियल से वी हैव टू लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ नॉन मटेरियल जस्ट टू हैव अ मोर इमेंसिपेटरी इगैलिटेरियन सोसाइटी. लेकिन जी एग्जैक्टली जहाँ पे ये दोनों मतलब आके मिलते हैं, यानी कि अपने अंदर ऐसे इंटरसेक्शन पर आप कहते हैं कि हमें अपने नॉलेज को या अपनी उसको फोकस करना है, फोकस कीजिए उसको, स्टडी कीजिए. तो मेरा ख्याल है कि इस सिर्फ कैलेंडर के अलावा बाकी चीजों में ये मेरा ख्याल है कि बड़ा
ये आप इसको कर सकते हैं. यहाँ पे जारी बात है, मेरा थोड़ा नुकता नजर आप समझ चुके हैं कि जब हम यूनिवर्सैलिटी की बात करते हैं और टू टेक अकाउंट ऑफ यू नो सो मेनी डाइवर्सिटी. और देखिए डेफिनेटली आपकी जो बातें हैं बिल्कुल सही है. ऑब्वियसली जब अगर आप इसको जलाली कैलेंडर को भी इंट्रोड्यूस करके हम कर देते हैं, तो ऑब्वियसली अगर रमजान दिसंबर में आ रहा है, तो हर साल दिसंबर में आ रहा है, तो दिसंबर साउथ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मियों में होगा. एब्सोल्युटली ये क्वेश्चन होगा, मगर ये क्वेश्चन तो बाद में आएगा, अभी तो हमारा स्टैटिक भी नहीं है, बदल ही चले जा रहा है. पहले एक चीज को बेहतर तो करना सोचें कि अब ये है मैसेज, ठीक है, इसको कम अज कम इस इश्यू को तो सॉल्व करें. अब ये इशू सॉल्व हो जाए तो इसके बाद जो और इश्यूज आते हैं उनको कैसे एड्रेस करते हैं, इनको फिर हम सोशियो सिमियोटिकली सोचेंगे. ठीक है, जब आप कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल इस्लाम यूनिवर्सल है, तो वो उसका मतलब यह है कि वो चेंज, उसके इस्लाम के अंदर चेंज होने की सलाहियत भी है. देखिए डायनेमिक सिस्टम जिंदा होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, डायनेमिक सिस्टम जिंदा होते हैं, स्टैटिक सिस्टम मरे हुए होते हैं. अगर इस्लाम एक लिविंग है रिलीजन, तो वो उसका डायनेमिक होना चाहिए. अगर उसका आप स्टैटिक कर दें तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा. ठीक है, ये डायनेमिक और स्टैटिक सिस्टम से डिफरेंस होता है. जैसे कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, लैंग्वेज डायनेमिक है, मैथमेटिक्स स्टैटिक है. तो इस डिस्टिंक्शन को हमेशा हम अपने रट पास रखिए. खैर एनीवे बहुत लंबी बात हो गई, थैंक यू वेरी मच. जैसे मैं दो घंटे हो गए, हम लोग तो डेढ़ घंटे रख रहे थे. चल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अगेन जैसे मैं पहले कह रहा था, आप लोगों का जो टाइम दिया इसकी ये इज्जत है देना, मैं समझता हूँ आप लोगों ने इज्जत दी है बहुत. समी आपका हाथ उठा है, थैंक यू सर. कैन वी प्लीज गेट द एक्सेस ऑफ योर चैप्टर व्हेन यू वेयर यू सेड मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इज नॉनसेंसिकल. हाँ, ये वी माउंटेन्स के ऊपर है. वी माउंटेन्स में आप सर्च करेंगे तो वी माउंटेन्स में ही है. ओके थैंक यू सर. Thank you so much, everybody, and good night. And I'll hope to see you later. Take care. Thank you, sir. Thank you, everybody.